क्या बनाए सबसे पहले तुम बताओ। सर आप जिससे शुरू करना चाहें, फेस पैक बना सकते हैं, क्या बनाना चाहेंगे आप? फेस पैक बना, मैं कहूंगा कि हम मिलियन डॉलर फॉर्मूले से शुरू करें। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तैयार हो जाइए, सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मैं आपको बताने वाला हूँ 1 करोड़ रुपए का फॉर्मूला। रेडी प्रतिभा? चलो जी सर, जी सर। तो ये है 1 करोड़ रुपए का फॉर्मूला, दिख रहा है? यस दिख सर, रहा है क्या है प्रतिभा? सर ये 1 करोड़ का फॉर्मूला? ये 1 करोड़ का फॉर्मूला है, लिखो। चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए हमको चाहिए, सबसे पहले चाहिए मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल लिखिए, 62-70% मिनरल ऑयल। ठीक, अच्छा उसके बाद लिखिए 22-28% वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मीन जो सबसे सस्ता तेल आपको मिल जाए, सोयाबीन का तेल या जो भी नॉन एडिबल ऑयल भी आप ले सकते हो वो ले लीजिए। जी। उसके बाद आप लीजिए 1 से 2% खाने का कलर, या जो एडिबल ऑयल, एडिबल कलर कहते हैं जिनको, फूड कलर। सर हम क्या बना रहे हैं सर, खाने का तेल? आप देखिए तो आप लिखिए लिखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे 1 करोड़ों का फॉर्मूला है। जी, ओके, खाने का तेल जी, नेक्स्ट। 1 से 2% इसमें हम लेंगे कलर, फूड कलर आपके पसंद का, और 1% हम लेंगे इसमें खुशबू आपकी पसंद की। लिखिए प्रतिभा। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा साउंड और जी। चलिए लिख लिया सर, अब आ रही आपने? है हाँ आवाज, अब चलिए चलिए। हाँ तो ये हो गया हमारा मिलियन डॉलर का फॉर्मूला, जिसको कहते हैं नियार तंबी आंवला, या बजाज आंवला तेल, वाह डाबर वाह आंवला तेल। वाह, बहुत क्या बात बहुत है। सारे तो ये है 1 करोड़ों का फॉर्मूला, जो मुझे लगता है 30 सालों से अधिक से बिक रहा है, घरों घरों में बिक रहा है। और ये 34 ml की बॉटल है जो 10 रुपए की है, मतलब कि लगभग लगभग 50 ml, 40 रुपए का, 400 रुपए लीटर प्रतिमा। और जो कॉस्ट हमें अभी आई है, जो मैंने आपको बताई है, वो 100 रुपए लीटर है, मतलब 300 गुना मुनाफा। फायदे का सौदा, फायदे का 300 गुना मुनाफा 30 सालों से मार्केट में बिक रहा है, और पूरी तरह से बेईमानी। इसमें लिखा हुआ आंवला तेल, आंवला से सबसे पहले तो कोई तेल ही नहीं कर सकता, ठीक है? उसके बाद ये आंवले से सिद्ध तेल भी नहीं, कि हम इसको आंवला तेल नाम दे सकते हैं। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई तेल को या किसी कल्पना को नाम देना है तो वो उपस्थित रहना चाहिए। तो ना ये आंवला सिद्ध तेल है, ना आंवले की सीड से या आंवले के फल से कोई तेल निकलता है, तो ये आंवला तेल इस नाम से बिकता है। तेल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तेल जो है वो स्नेह कल्पनाओं में या स्नेह द्रव्य माना गया है। जो बालों में तेल लगाने की प्रक्रिया है, तो वो उसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि बालों को हम स्नेहित करें, मतलब बालों में स्नेह पहुंचाना पहुंचना चाहिए, ये उसका मकसद है। पर ये जो प्रिपरेशन है, ये जो है ये दुष्ट प्रिपरेशन। मिनरल ऑयल जो है वो एक पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम नॉन पेट्रोलियम प्रकार का एक इनर्ट बेस है। इनर्ट बेस मतलब होता है कि उसका कोई ना फायदा होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनर्ट मटेरियल की वैल्यू ये होती है कि ना उनसे कोई फायदा होता है, ना उनसे कोई नुकसान होता है। तो ये जो मिनरल ऑयल है, जो 70% तक है इसमें, वो एक इनर्ट मटेरियल। उसके बाद जो वेजिटेबल ऑयल हमने मिलाया है, कोई भी तेल है, सबसे सस्ता तेल कंपनियां यूज करती हैं, 60 रुपए, 55 रुपए, 45 रुपए लीटर तक का तेल इसमें लिया जाता है। और एक कलर, एक खुशबू देके, एक नाम देके इसको बेच दिया जाता है। इस तरह से ये 1 करोड़ का फॉर्मूला मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। मेरा बताने का तरीका मजाकिया इसलिए था कि आपको समझ में आए कि जब पेशेंट आता है कि नहीं, मैं तेल तो रोज लगाता हूँ, पहले बात तो तेल लगाना बालों के लिए कम कर दिया। उसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तेल रोज लगाते हैं,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बालों में तेल नहीं लगाते फिर भी हमारे बालों की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये तेल के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं करता। इसमें जो है मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल बालों को नुकसान पहुंचाता है जो कि पेट्रोलियम पदार्थ है। किसी भी संहिता में इस प्रकार के तेलीय पदार्थ को तेल की संज्ञा दी नहीं गई, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनको तेल की संज्ञा नहीं दी जब तेल। इसलिए मेरा तरीका बताने का था, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है जब आपके पास कोई बालों से रिलेटेड समस्या वाला पेशेंट आता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार से बादाम ऑयल भी बनता है, जैसे जो आलमंड ऑयल अलग अलग आते हैं, डाबर का आता है, बजाज का आता है और भी ब्रांड्स का आता है, इवन पतंजलि का भी बादाम तेल आता है। तो इस प्रकार की बादाम तेल, इस प्रकार का आंवला तेल जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए पेशेंट को। ये इसमें मजाक के लेते हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तो समझ में आया प्रतिभा तुम्हें? जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही मजाकी अंदाज में बहुत एक बहुत राज का खुलासा किया। हम लोग सोचते थे आंवले का तेल आंवले का तेल, ये बहुत बहुत मतलब ये हिडन बात है, लोगों को पता नहीं, चिकित्सकों को पता नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए तो बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। चलो प्रतिभा, बालों से बात शुरू की हमने, तो एक नेक्स्ट कल्पना भी जो है वो बालों से रिलेटेड ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हम जो वो लेंगे वो एक हेयर मास्क है प्रतिभा। ओके सर, हेलो आवाज। ये हेयर मास्क है, इसके लिए आप लिख लीजिए, थोड़े अलग टाइप का है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये मॉइस्चर देगा, जो डैंडर की समस्या है या जो बाल जल्दी काले हो रहे हैं। देखो वय के अनुसार सफेद हो रहे हैं तो वो अरे एक अलग बात है। हाँ प्रतिभा सर, थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज काफी कट रही है सर, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये हम बालों का एक पैक है, एयर मास्क हम इसको कहते हैं, एयर मास्क हम बनाने वाले हैं जी, हेयर मास्क। इससे पहले एक बात और मुझे ऐसा लगता है कि हम डिस्कस, हाँ एक बात हमको और डिस्कस करनी चाहिए कि केमिकल फ्री कॉस्मेटिक क्या होता है, ये वर्ड है क्या? प्रतिभा भी ठीक है? हाँ सर, लगभग ठीक ही है। चलिए आप बताएं सर, क्या बारिश है, थोड़ा मौसम खराब है, थोड़ा मौसम खराब है। हाँ सर, कोई बात नहीं, हम लोग अपन चला लेंगे। आप केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करें। केमिकल फ्री कॉस्मेटिक क्या है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, अच्छे है, रेपुटेड ब्रांड है, पर ये जो है ये कहीं सर भी, पहली बार तो केमिकल फ्री नहीं है, आयुर्वेद के किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ये प्रतिभा एक वाइटनिंग क्रीम है, वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम है, एक अच्छे खासे ब्रांड का है। इसमें क्या सा इंग्रेडिएंट्स हैं प्रतिभा? यस सर, यस सर। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ प्रतिभा। ये इसमें नारियल का तेल है 3%, दूधल रूट जो है दुग्धी का जिसको कहते हैं वो है 3.5%, मंजिष्ठा की जड़ है 2%, नींबू की पत्ती का एक्सट्रैक्ट है 0.5%, बादाम का ऑयल है 2%। ये टोटल प्रतिभा जो है वो मैंने इंग्रीडियंट आपको बताया, ये करीब 11% हो रहे हैं, 11-12%। जी सर, सिर्फ 11%, सिर्फ 11%, 50 ग्राम का ये है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्रीम बेल्ट, बेस क्या है, क्या मटेरियल है, उसका कोई वर्णन नहीं। तो एज पर रूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो ये एक क्राइम है, आपको पूरे इंग्रीडियंट्स जो है वो बताने होते हैं कि इस प्रिपरेशन में क्या क्या है, ठीक है? एक लीगल हो गया, उसके बाद ये हो गया कि आपने उसके ऊपर नमक रख देते हैं या जीरा रखता है, हमने एक प्रिपरेशन बनाया केमिकली प्रिपेयर और उसके ऊपर बस नमक गुरक दिया है हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। तो ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक या केमिकल की कॉस्मेटिक नहीं है, ये मेरा बताने का तरीका है प्रतिभा। हेलो
प्रतिभा जी सर, आप सुन पा रहे हो? सुन पा रही जी सर आपकी मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रही जी सर? हमने जाना तो ये प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे थे कि इन्होंने कि क्या कहकर क्या मिल रहा है हमें? क्या कहकर, ये सभी ब्रांड की हालत है प्रतिभा, इसमें फिर भी 11-12% है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नाम नहीं लेने के ब्रांड के, और मैं पछताऊं बहुत नाम लेने से। बहुत सारे प्रिपरेशन में तो 1-2% और 5% ही केवल आयुर्वेदिक या हर्बल इंग्रीडियंट्स होते हैं, उसके अलावा बाकी पूरा केमिकल होता है। तो ये आयुर्वेद नहीं है, ये पूरी तरह से केमिकल नहीं है। यदि किसी को केमिकल से कोई एलर्जी हो तो वो एलर्जी उनको इन प्रोडक्ट से या इन उत्पादों से भी होगा, ये मेरे बताने का मंतव्य है। ये सब कई बार हम लोग सुनते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जिनमें की लिखा है कि केमिकल फ्री है, हर्बल है, लोगों को कई तरह की एलर्जियां हो जाती हैं। उसका कारण यही है कि वो तो वो मार्केट से यही सोच के लेके आते हैं कि यार ये तो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक लिखा हुआ है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट का और एक आपको एक बात बताऊँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉशन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। प्रतिभा ओके सर, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज मतलब ये कॉस्मेटिक नहीं है। और आप पीछे बेस में आप जाओगे इंग्रीडियंट्स के ऊपर, तो इसमें ना थेराप्यूटिक वैल्यूज है ना कॉस्मेटिक वैल्यूज। तो ये इस प्रकार का कल हो रहा है बहुत सारे ब्रांड्स, तो जिनको केमिकल से एलर्जीज है उनको बिल्कुल होगी। और प्रतिभा तुम जानती हो आयुर्वेद के जो हमारे पास मेजोरिटी आती है रोगों की, वो उसमें चर्म रोग या स्किन वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। यस सर बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। हम इसे यदि करें बहुत अच्छा और बहुत अच्छे हम लाभ इससे ले सकते हैं, ना केवल पंचकर्मा की थेरेपीज के रूप में, बल्कि हम इनको छोटे छोटे प्रोडक्ट, छोटी छोटी कल्पनाएं। आज इस हमारा सेशन का उद्देश्य यही है कि छोटे कल्प आप बनाना सीखें जो तुरंत बन जाए और आप इनको इजीली बेच पाए बिना पैसे बैठे बिना केमिकल। और प्रतिभा और खास बात है कि केमिकल जो प्रिपरेशन आपने देखी होंगी उनमें कभी गैस, कभी मिक्सर, कोई ना कोई मशीन लगती है, हमको आज कुछ नहीं लगने वाला है प्रतिभा। यस सर, आज तो हमें क्या लगेगा सर, दो हाथ बस हमारे बस बेयर हैंड प्रतिभा, बेयर हैंड हम बनाएंगे कॉस्मेटिक विदाउट केमिकल, विदाउट मशीनरी, विदाउट एनी हेल्प और प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भी नहीं लगेंगे प्रतिभा, प्रिजर्वेटिव वो द्रव्य होते हैं जो केमिकल मतलब करने से बचाते हैं हमारी प्रोफेशन को, पर हमारी आज किसी भी कल्पना में प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे। चलिए प्रतिभा शुरू करते हैं, बातचीत बहुत होगी, मुझे लगता है एक्शन का टाइम आ गया। हाँ सर, दर्शक भी बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क हम बनाने वाले हैं यार, और इसको मैं बोल में ही बना लेता हूँ, मुझे नहीं लगता है बोल, एक बड़ा बोल लेते हैं प्रतिभा इसके लिए। इसके इंग्रीडियंट्स लिखे प्रतिभा जी, ठीक है। सबसे पहले प्रतिभा इसके इंग्रीडियंट्स में जो है वो, हाँ सबसे बड़ा एक बड़ा बोल लेंगे हम, और बेस प्रतिभा जो है कॉस्मेटिक्स में, जैसे अभी हमने देखे कि कुछ इंग्रीडियंट्स थे और कुछ बेस था, तो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में दो भागों में बटा रहता है, एक होता है एक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा भाग होता है बेस, है ना? यस सर, ये इस सिद्धांत को लेकर ही हम सारे स्किन और सारे हेयर प्रोडक्ट बना देंगे। जी सर, तो जो अभी हमने देखे थे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, उसमें जो बेस था वो इनर्ट था, मतलब ना उसके लाभ होंगे ना उसकी हानियां होंगे एज पर देम, पर मेरे हिसाब से तो उसके बहुत सारे हानियां है ना। Yes, हमारी प्रिपरेशन की ब्यूटी यह होगी कि हमारा जो बेस है वो भी फायदा देगा और जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो फायदा देगा ही देगा। क्या बात है सर, ठीक है बढ़िया। Yes, तो हम इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे 2 बड़े स्पून, या फिर मैं इसको ग्राम में बताता हूँ तो वो लोगों के लिए इजी रहेगा। आप इसमें 20 ग्राम, 100 ग्राम के लिए हम बात करें तो 20 ग्राम इसमें ब्राउन शुगर लेने प्रतिभा। 20 ग्राम ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर 20 ग्राम ब्राउन शुगर। आप चाहो तो नॉर्मल हमारी शक्कर भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। इसका कोर्स पाउडर हमको लेना है, मतलब दरदरा पिसा हुआ पाउडर हमको लेना है। जी सर, उसके बाद हमको लेना है इसमें 35 ग्राम या 30 ग्राम जो है वो लेंगे हम चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल के बारे में सुना है प्रतिभा तुमने?
सर एक्टिवेटेड चारकोल? यस सर, सुना तो है। सर एक्टिवेटेड चारकोल, ये पर अवेलेबल कैसे हो एक्टिवेटेड जाएगा? चारकोल की हेयर बालों से रिलेटेड करना। जी बोलिए बोलिए बताइए। नहीं सर आप कंटिन्यू करिए, मैं पूछ रही थी कि एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ से, मतलब अवेल आप किस फॉर्म में लेंगे, पाउडर फॉर्म मैं में? बताता हूँ आपको, सबसे पहले तो एक्टिवेटेड चारकोल ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर ये एक्टिवेटेड चारकोल अलग है क्योंकि अर्पण की सारी बातें अलग होती हैं, तो इस चारकोल को भी अलग होना पड़ेगा। इस चारकोल की मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं आरएनजी कर रहा हूँ, बचीवा चारकोल जब शुरू हुआ था ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से वर्णन है, मसी के नाम से, त्रिफला मसी और बहुत सी मसी के नाम से हम इसको उपयोग कर रहे हैं। 5,000 सालों से मसी कल्पना है हमारे आयुर्वेद में वर्णित। फिर क्या हुआ कि वही जब बात विदेशों से घूम कर हमारे देश में आती है तो ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो विदेश से जब चारकोल आया तो फिर वो हर जगह आ गया। हेयर बालों में बहुत कम है चारकोल, स्किन प्रोडक्ट्स में वो एक तुम्हारी तरह एक एंकर आती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो चाहे चारकोल वाला टूथपेस्ट भी बेचती है आजकल, शायद आपने देखा हो। यस सर तो ये बिल्कुल चारकोल जो है, मैं एक चारकोल पे आरएनडी कर रहा हूँ। तकरीबन आपने सुना होगा ये, हम जो चूंकि छिंदवाड़ा में रहता हूँ, यहाँ पर पातालकोट एक जगह है, तो पातालकोट में हरड़ और बहेड़ा जो होता है वो बहुत होता है, तो मैं हरड़ की लकड़ी से हरड़ बहेड़ा अमला त्रिफला जो है केश है आप जानते हैं, तो मैं अभी बहेड़ा और हरड़ के लकड़ी से एक्टिवेटेड चारकोल खुद बना रहा हूँ। और ये चारकोल वही है, हरड़ और बहेड़ा की लकड़ी से बना हुआ एक्टिवेटेड चारकोल। ओके तो सर कैसे हो बहुत गया प्रतिभा, आप चाहें पर तो आयुर्वेद का खास ऑनलाइन ले चारकोल सकते हैं। सर। जी, ये अर्पण की खासियत है और मैं आरएनडी कर रहा हूँ, बहुत जल्द हम इसको मार्केट में भी लेके आएंगे। हरड़ और बहेड़ा और भी द्रव्यों पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि चारकोल काष्ठ औषधियों का लिया जाता है तो भृंगराज का चारकोल नहीं बनाया जा सकता, तो हम ऐसे ही पेश द्रव्य और देख रहे हैं, शिकाकाई का हम ट्राई कर सकते हैं, विद्या का हम लकड़ी का चारकोल ट्राई कर सकते हैं। तो ये आरएनडी का विषय है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ और बहुत जल्दी हम एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच कर पब्लिश करेंगे। तो प्रतिभा हम कहाँ थे, हमने 20 ग्राम जो है वो शुगर लिया, 30 ग्राम 35 ग्राम हम एक्टिवेटेड चारकोल लेंगे, ये हो गए हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी है 100 ग्राम की हम बात कर रहे थे, उसके बाद बचा हुआ जो 55 से 50 है वो कोकोनट ऑयल लेना है, एक वर्जिन आता है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ता है पर बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं और केमिकल फ्री रहता है, तो एक अच्छे ब्रांड का कोकोनट ऑयल है ये मैं रिकमेंड करूंगा। उसके बाद कुछ नहीं करना प्रतिभा, इसको हमको मिक्स करना है थोड़ी, छोटे बैच आप बना रहे हैं तो आपको कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, बड़ी चम्मच और बड़ा बर्तन हो जाएगा बस प्रतिभा। तो ये 2 मिनट मैगी देते हैं, हमने 2 मिनट एयर मास प्रिपेयर कर लिया, से तैयार हो गया? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गया। इसको बस हमें ट्रांसफर करना है जार में। कॉस्मेटिक बनाते टाइम एक बहुत खासियत की बात है कि आपको हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, किसी भी प्रकार से नमी या पानी से उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, तो आपका प्रिपरेशन कभी भी सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो प्रतिभा ये हमने ट्रांसफर कर दिया इसको जार में, और ये आपका हेयर मास्क पूरी तरह से कॉस्मेटिक फ्री, पूरी तरह से हर्बल, पूरी तरह से प्रिजर्वेटिव फ्री तैयार है। कैसा लगा वाह प्रतिभा? वाह सर थैंक यू सो मच। तो आज हमने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट तैयार किया, हेयर मास्क, जिसमें कि हेयर हमने मास्क ब्राउन है, जी जी जिसमें कि हमने 20 ग्राम्स ब्राउन शुगर, सर जहां मैं गलत हो रही हूँ आप मुझे बताइएगा, 20 ग्राम्स बिल्कुल ब्राउन बिल्कुल बिल्कुल शुगर, 35 ग्राम्स हमने चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल, एंड देन हमने उसमें कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड किया अपने कोकोनट हिसाब से, देन वर्जिन क्रिएट कोकोनट किया। ऑयल जी। और इसको हाइजीन के साथ आपको सर कितने दिन इसको तक रख सकते हैं? प्रतिभा, क्योंकि प्रतिभा इसको हमने साल भर तक रखा है, साल भर तक भी कुछ नहीं होता है, कभी कभी सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन मीन्स कभी कभी ये मटेरियल नीचे जम जाते हैं, अनुसार ये जमता पिघलता है तो कुछ नहीं होता है, बस आपको सफाई का ध्यान रखना है कि आप जार ले रहे हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इसको आप लेबल लगा के बेच सकते हैं बहुत आराम से 100 रुपए में,
और इसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से सब मिला के आपको 30 रुपए 35 रुपए पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ये सब बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। कहाँ सर, हम लोग हजारों के एयर मास्क लगाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हजारों के एयर मास्क और स्पाज में तो ये हजारों से और ज्यादा पड़ जाता है जब आप स्पा में या ब्यूटी पार्लर में सब थेरेपीज लेते हैं। बस अंतर यही है प्रतिभा कि ये फैंसी वर्ड यूज करते हैं, हम उसको मची कहते थे, इन्होंने एक्टिवेटेड चारकोल कह दिया, बस उतने अंदर है। ठीक है प्रतिभा, तो हमारा ये पहला प्रिपरेशन, इसके बेनिफिट में बताता हूँ जिनके प्री मेच्योर ग्रे हो रहे हैं बाल, जो पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है, जिनके बाल भूखे धोए हैं उनमें बहुत आया, तो ब्राउन शुगर के भी इसमें मधु रस लिया हमने प्रतिभा, तो कटुधिक कषाय इन सब द्रव्यों के कारण बाल खराब होते हैं, तुम जानती होगी, तो हमने इसमें मधुर रस एक लिया है, तो जहाँ मधुर रस के बेनिफिट्स भी इसमें ऐड हो गए। ठीक है प्रतिभा, हमारा पहला प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद दूसरा प्रिपरेशन हम बनाएंगे। दूसरा प्रिपरेशन क्या लेना प्रतिभा बताओ? दूसरा प्रिपरेशन सर में हेयर शैम्पू ही बनाते हैं हम, ओके आप सर, हेयर शैम्पू। हेयर शैम्पू ही बनाते हैं, बालों की ही बात हुई है तो बालों पे ही हम करते हैं दूसरा प्रोडक्ट भी हाँ बालों सर, पे। पहले बालों को ही निपटा देते हैं सर। जी, आज बालों को टारगेट करते हैं पहले, उसके बाद हम फिर दूसरी बात करेंगे। यस सर, यस सर। प्रतिभा ये इसके ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं शैम्पू, इसके बैक स्टोरी आपको बताते हैं पहले, तो मजा आएगा। देखिए ओके सर, यहाँ पे मैंने बालों के एक्टिविटी फ्रेम में आ रहा हूँ, तो आपने देख रहे होंगे यहाँ मीठी नीम रखा हुआ है, गुड़हल रखा हुआ है, एलोवेरा रखा हुआ है, दिख रहा है आप देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है ये एक बहुत अच्छी आईडी है प्रतिभा, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से आईडी में लग रहा हुआ। ये बारहवीं है प्रतिभा, जैसे हमने बात की थी कि दो चीज आ जाती है कॉस्मेटिक्स में, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, दूसरा होता है बेस। ठीक है, तो शैम्पू कैसे बनते हैं प्रतिभा, मैं आपको उसका सीक्रेट फिर से एक बहुत तरलों का सीक्रेट आपको बताता हूँ। जब शैम्पूज आते हैं प्रतिभा, सारे जो आयुर्वेदिक शैम्पूज हैं वो सारे आयुर्वेदिक शैम्पू कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक आता है शैम्पू बेस, लीटरों में आता है, 70 रुपए से चालू होता है, 70 रुपए से लेके जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे 200 रुपए लीटर तक बेस आता है, उसको कहते हैं शैम्पू बेस। वही आपका शैम्पू बेस में यूज होता है, वही आपका हैंड वॉश में यूज होता है, वही आपका शार जेल में यूज होता है, शार जेल बहुत नहीं करता है, तो यही एक बेस सब में चलता है। सुन पा रहे हैं आप? यस सर, यस सर। तो वहां पर भी बेईमानी, 60 रुपए 70 रुपए लीटर का आपने बेस लिया, उसमें आपने आपकी पसंद का एक कलर मिलाया, पालों का एलोवेरा शैम्पू बना गया, तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट 1 या 2%, वो भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप एलोवेरा का कलर और एलोवेरा के एसेंस आते हैं आप वो डाल दीजिए, और ये आपका less than 100 rupees 1 लीटर शैम्पू तैयार है, जिसको आप आयुर्वेदिक के नाम पे बेच सकते हैं। सुना प्रतिभा आपने? यस सर, सुना मैंने, मैं तो शौक में जा रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारे उत्पादन हम करेंगे, तो ये इसी प्रकार से जीजे का शैम्पू बन जाता है प्रतिभा, इसी प्रकार का आपका आंवले का शैम्पू बन जाएगा, बस आपको करना क्या है, कलर बदलने है और खुशबू बदलनी है, एसेंस बदलना है, वो आप बदलते जाइए और उस अकॉर्डिंग आपकी जो कल्पना है वो बदलती जाएगी, और उनको आप 200 रुपए लीटर से लेके मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 200 रुपए लीटर से लेके 2,000 रुपए लीटर तक आप ले सकते हैं। तो ये बेस और एक्टिव इंग्रेडिएंट का तेल मैंने आपको बताया। अब हमारे वाले शैम्पू में क्या रहेंगे है वो मैं आपको प्रतिभा, इससे पहले मैं एक प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक विज्ञान है, आप कभी दादी नानी की कहानी हूँ जैसा मैं आपको बताता हूँ, आप कभी दादी से बात करेंगे तो वो बताएंगे बेटा हमारे टाइम में तो शैम्पू होता नहीं था, हम नदी में नहाने जाते थे और वहीं की मिट्टी रहती थी, काली मिट्टी इसको बालों में लगा लेते थे, थोड़ी रेतीली मिट्टी या सफेद मिट्टी को चेहरे पे लगा लेते थे, वही हमारे एयर मास्क होता था, वही शैम्पू होता था, वही साबुन होता था, ये
सबके घर की बैक स्टोरीज है हमारे दादी नानी के यहाँ पे, क्या बोलते हैं? जी सर बिल्कुल, मेरी दादी को तो ये शैम्पू वगैरह समझ ही नहीं आता, क्या लगाते रहते हो तुम बिल्कुल। तो ये हमारा बैक स्टोरी है प्रतिभा, कि हमारे स्टोरी में कहीं भी झाग नहीं था। मैं इसको एक बहुत अच्छा नाम देता हूँ थ्योरी को, झाग का विज्ञान। तो जब पहली वाली कल्पनाएं आप देखें तो आयुर्वेद में भी आप देखोगे तो सारी जगह में मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी और मिट्टियों का ही वर्णन है, बालों के लिए या स्किन के लिए। तो झाग की जरूरत ही नहीं है हमको, झाग की जरूरत क्यों? झाग दरअसल में एक मनोविज्ञान की संतुष्टि प्रदान करता है कि इस शैम्पू से बड़ा अच्छा झाग हो रहा है, मेरे बाल साफ हो गए, या इस पे झाग आ रहा है, मेरा चेहरा बहुत साफ। तो ये विज्ञान है जिसको मैं झाग का मनोविज्ञान कहता हूँ। तो ये एक झूठा मनोविज्ञान है जो एक झूठी तसल्ली हमको देता है कि हमारे बाल या हमारे स्किन है वो साफ है। अब इस झूठे मनोविज्ञान की पुष्टि हम कैसे करें, केमिकल क्रिया में प्रतिक्रिया बनानी, तो उसके लिए मैंने प्रतिभा स्टार्ट किया। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर मैं सुन रही हूँ। हाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। तो हमने बेस लिया प्रतिभा एलोवेरा का जेल। हाँ प्रतिभा? नहीं सर आप बोलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। जी सर ओके, हम इसके लिए बेस लेंगे एलोवेरा का जेल या एलोवेरा का फल। हमने इसका जेल लिया और उसमें एलोवेरा जेल लेना जरूरी है या फिर जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है? मैं आपको ये हमारा आरएनडी का मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एक आरएनडी का प्रोडक्ट। तो मैं जो हमने जो रिसर्च की है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रोडक्ट है। हमने एलोवेरा का फ्रेश पल्प लिया और उसमें बीटा के बीज निकाल के छिलकों सहित उसको भिगो दिया दो रात्रि पर्यंत, ठीक है। तो जो रीठा का झाग वाली या रीठा की प्रॉपर्टीज थी वो ट्रांसफर हो गई एलोवेरा जेल में, और ये वही रीठा का और एलोवेरा का मिक्स बनाया हुआ हमारा बेल का शैम्पू का। समझ में आया आपको? जी सर एलोवेरा जेल में हमने रीठा को दो रात्रि पर्यंत तक रखा तो उससे संस्कार हो गया एलोवेरा जेल का, है ना? संस्कार हो गया रीठा का, रीठा के सारे गुण है वो एलोवेरा में आ गए, फिर उसको चना से आप रख लीजिए। मैंने तो फ्रेश पल्प लिया था क्योंकि हम आरएनडी कर रहे थे और हमारे यहाँ पे प्रॉपर उसकी जो गाइडलाइन है वो है। आपको घर में बनाना है तो आप बना बनाया एलोवेरा जेल लीजिए किसी कंपनी का, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है तो वो सड़ेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया कल्पना में, जैसे मैंने बताया एक एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक बेस। तो ये हमारा जेल हो गया शैम्पू का बेस तैयार, केमिकल फ्री। देख पा रहे हैं प्रतिभा? जी सर ये हमारा शैम्पू का बेस तैयार हो गया जो झाग भी देगा और गाढ़ापन जो शैम्पू में विस्कोसिटी होनी चाहिए वो। अब इसके बाद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाए, तो प्रतिभा पुराने जो है या पहले भी बैठे लोग हैं वो एक विधि बताते थे शैम्पू बनाने की, घर में बड़ी प्रचलित थी कि आप त्रिफला लीजिए, हरदा ये गीता लीजिए, शिफाकाई लीजिए, बीजी नीम ले लीजिए, जासमन ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, इसका एक क्वाथ बनाइए और उससे बाद धो लीजिए। पर ये बड़ा बहुत सारी इसमें चीजें करनी पड़ेगी, इतना समय किसी के पास नहीं, वैद्य के पास इतना समय नहीं है। तो अब इसमें हमने बेस तो बना लिया, तो उसके बाद आरएनडी रिसर्च का सब्जेक्ट ये था कि इतनी सारी जड़ी बूटियों को ना लेके हम क्या करें कि हम इसको कम में इसके गुण उसमें ले आए। तो उसके बाद फिर हमने ये बनाया, इसके लिए इंग्रीडियंट मैं बताता हूँ, लिखिए आप। जी सर, त्रिफला 100 ग्राम। जी सर, शिकाकाई 25 ग्राम। शिकाकाई 25 ग्राम। 25 ग्राम गुड़ल के फूल, ताजे भी मिल जाए तो ताजे ले सकते हैं आप। सर एक बार रिपीट करेंगे आप क्या? गुड़ल का फूल, गुड़ल का जासमन का फूल, जो ये जासमन का फूल रखा। जी गुड़ल जी, हिबिस्कस फ्लावर या सूखा पाउडर भी ले सकते हैं आप। मीठी नीम पत्ता या कड़ी नीम जिसको कहते हैं, कड़ी पाउडर अगर लेंगे तो कितना ऐड करना चाहिए सर?
गुड़ल का पुष्प जितना आपको मिला तक इस वाले में 25 ग्राम ले लीजिए आप गुड़ल का। ओके सर। कड़ी पत्ता ले लीजिए, कड़ी पत्ता कम लगता है 10 ग्राम कड़ी पत्ता ले लीजिए। और भी आपको लगता है कि कोई केश की तरह धनराज आप ले लीजिए, धनराज लीजिए 25 ग्राम, 50 ग्राम तक भी ले सकते हैं धनराज को। सर कड़ी पत्ता के बाद आप रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा सा आवाज कट रही है। कड़ी पत्ता के बाद धनराज ले लीजिए, धनराज भृंगराज। सर 25 कड़ी से पत्ता पचास का भी ग्राम हम लोग, कम करें। सर कड़ी पत्ता का भी हम लोग पाउडर रख सकते हैं कि फ्रेश कड़ी पत्ता? हाँ हाँ पाउडर ले सकते हैं आप, चाहे तो फ्रेश ले लें चाहे तो पाउडर ले। यस सर। इसका प्रतिमा क्वाथ बनाना है 1 लीटर पानी में, एक एक लीटर लीटर पानी को 100 ग्राम या 150 ग्राम जी, इसको पहले रात्रि पर्यंत सोक करना है, ओवरनाइट सोक करना है इसको, और सुबह इससे क्वाथ बनाना है 100 ग्राम 150 ग्राम तक रिड्यूस करना है। जी अभी 100-150 ग्राम जो आपका बचा है इसको छना लीजिए, और ये बेस, अब दो हमारे पास दोनों चीजें आ गई प्रतिभा, एक चीज आ गई बेस, दूसरा चीज आ गया मेडिसिन प्रॉपर्टी वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट, दो पार्ट हमारे पास कंप्लीट। पर फिर इसमें यही बात है कि 150 ग्राम कर रहा है और फिर बहुत सारे झंझट थे, तो प्रतिभा हमने एक R&D की, और जो मैंने अभी जो विधि आपको बताई है और आप जो 150 ग्राम पा रहे थे, हमने उसको ये 15 ml की बॉटल में रिड्यूस कर लिया। हमारे पास एक कॉयलर है, हाँ हाँ, इसमें ताप और दाब, मतलब जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें ताप भी होता है दाब भी होता है, जी सर। तो ताप और दाब दोनों के सम्मिश्रण से हमने जो आपको अभी 150 ml बात बताया, हम उसको 15 ml पे ले आए, सिर्फ इस 15 ml की बोतल से आपका 200 ml शैम्पू बन सकता है। अच्छा सर, 15 ml तो से बस 200 ml तक का। 15 ml से 200 ml शैम्पू पूरी तरह से आयुर्वेदिक, पूरी तरह से आयुर्वेदिक के हर्ब्स के गुण रहे हो, तो बस हमको इस लिक्विड को इस शैम्पू बेस में ऐड करना है। देखिए थिकनेस, देखिए इसकी ये थिकनेस इसीलिए आई है क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करते करते इस लेवल पे लिया है। जी सर। बस मिक्स करना है प्रतिभा इसको अच्छे से, इसको धीरे से करना पड़ता है क्योंकि रिंका के कारण झाग आने लगता है, आप देख पा रहे हैं ये जी सर, जी सर। फ्रेम में है ये। तो सर इसको हर बार फ्रेशली बनाना होता है? हाँ इसको हर बार फ्रेश बनाना होता है। ओके सर। इसको फ्रिज में रख के प्रतिभा 3 महीने तक आप बेच सकते हैं बिना फिसल के। हाँ हमको इसे वो स्टोर करना पड़ेगा फ्रिज में, और फ्रिज में स्टोर करें तो 3 महीने तक इसको आप रख सकते हैं कोई इश्यू नहीं। प्रतिभा ये हमारा शैम्पू तैयार हो गया, 100% केमिकल फ्री, 100% बेस्ड आयुर्वेदिक शैम्पू सही मायने में, बिल्कुल 100% ना इसमें बेस है, ना इसमें जात के लिए कोई द्रव्य मिलाया गया है, ना इसमें कोई कलर है, ना इसमें कोई सुगंधित द्रव्य है, और कितना लस्कस है कलर देखिए उसका, और इसको कोई भी कह नहीं सकता कि आपको आपने इसमें कोई केमिकल नहीं मिला है, क्या बोलते हैं? यस सर, बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक शैम्पू है, सही मायने में केमिकल फ्री। तो सर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने अपना हेयर शैम्पू तैयार कर लिया, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सारे बेनिफिट्स जो मैंने जैसे बताए हैं। बिल्कुल। अच्छा हाँ सर, आप पहले बेनिफिट्स बता दीजिए सर। हाँ हाँ इसके बेनिफिट्स प्रतिभा, जैसे हमने सारे गंधराज मिलाया है, गंधराज बहुत वेल नोन केश द्रव्य है, इसके अलावा जीवाणु नाशन भी गंधराज करता है, कड़ी पत्ता है, आलू कड़ी पत्ता भी जीवाणु नाशन करता है, केश है, हिबंधक के गुण आप सभी जानते हैं, जो बाउंसी हेयर है जिनकी चाहत होती है ना प्रतिभा, हिबिस्कस वो चाहत को पूरा करता है, तो हिबिस्कस ये वो करता है, एलोवेरा के गुण आपको पता ही है, क्लेंजर एलोवेरा मॉइस्चर देता है जो जी प्रतिभा। यस नहीं सर, कंटिन्यू करिए सर। हाँ एलोवेरा के भी गुण इसमें वही होते हैं कि एलोवेरा मॉइस्चर जो प्रदान करता है बालों, जो उसके बाल होते हैं प्रतिभा
तो शैम्पू के जो केमिकल वाले शैम्पू भी वही प्रिंसिपल देते हैं, मैंने बताया था ऑयल के लिए, कि शैम्पू बालों से एक्सेसिव मॉइस्चर ले लेता है, मतलब रुक्षता पैदा करता है, और बालों के जितने रोग हैं, स्कैल्प के जितने रोग हैं, वो रुक्षता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। डैंड्रफ उनमें से एक है, स्कैल्प सोराइसिस उनमें से एक है, क्योंकि हम एक्सेस यदि मॉइस्चर उससे लेते रहेंगे रेगुलर, तो वहां से पोषण बालों को नहीं मिलेगा। हालांकि पोषण आधा बालों का पोषण आधा डिपेंड करता है बाहर से और आधा अंदर, तो ऊपर से हम यदि रेगुलर वृक्ष डिटर्जेंट युक्त शैम्पू यूज करते हैं, तो वो मॉइस्चर जाने के कारण आधे रोगों को हम दावत देते हैं, चाहे बालों के झड़ने के बाद हो चाहे डैंड्रफ के बाद। तो ये जो है शैम्पू आपके बाल क्लीन करेगा पर रुक्षता नहीं आएगा, ये इसका गुण है। जी सर, हमने कितनी बार सुना है कि कई शैम्पू को यूज करके बाल बड़े फ्रिजी हो जाते हैं, कई लोगों के वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल बहुत फ्रिजी उड़े उड़े से लगते हैं, शैम्पू करने के बाद भी वो लुक नहीं आता जो हमको चाहिए होता है। तो सर वो मॉइस्चर पूरा खींच लेता है, शायद इसी वजह से बाल फ्रिजी हो जाते हैं। तो इस शैम्पू से वो सब दिक्कतें तो नहीं होने वाली है बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको, हम बालों पे ही बात कर रहे हैं तो बालों वाले ही करना है, जी सर इंटरेस्टिंग करना और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्रतिभा, हम यहाँ लाइन से रखते रहते हैं जो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं। तो सर हमने हेयर शैम्पू के लिए एक बेस और एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे हमें लेना होता है, तो बेस में हमने एलोवेरा जेल लिया था, आप चाहे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइक फ्रेशली फ्रेश ले सकते हैं, या फिर एलोवेरा और रीठा का हमने जेल लिया था। जी जी, एलोवेरा का रीठा का जेल लिया था जी, सॉरी सर। उसके बाद हमने इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला अपना, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में हमने जो ड्रग्स लिए वो त्रिफला 100 ग्राम, शिकाकाई 25 ग्राम, गुड़हल आप ले सकते हैं, गुड़हल का पाउडर ले सकते हैं सूखा 25 ग्राम, कड़ी पत्ता 10 ग्राम और भृंगराज 25 ग्राम। इसको आप ओवरनाइट सोक करना है हमें, और फिर हमें सुबह इसको 1 लीटर पानी में इसका क्वाथ बनाना है और इसको रिड्यूस करना है 100 से 150 ग्राम तक, है ना सर? सर ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट था, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास परफेक्ट आयुर्वेदिक शैम्पू तैयार हो जाता है। शैम्पू आ गया, इसको 3 महीने तक की सर्विलेंस अवधि है, शेल्फ लाइफ है, पर फ्रिज में रखना होगा। यदि आप क्लिनिक से भी बेचते हैं इसको, इसको बॉटल में भर के बहुत इजीली बेचा जा सकता है, पर यदि बॉटल से आप भरते हैं तो ध्यान रखना है कि स्टोर फ्रिज में करना पड़ेगा। ठंड की ऋतु में खराब नहीं होगा जल्दी, पर इसको स्टोर फ्रिज में ही करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। जी सर जी, ओके सर। तो नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं? ठीक है प्रतिभा, नेक्स्ट हम प्रतिभा बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी मेरा एक आईडी है, हम बनाएंगे प्रतिभा शैम्पू बार। ओके सर, शैम्पू बार। शैम्पू बार, बार बिल्कुल। ये तो सर कुछ हटके लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे बताया अर्पण मतलब हटके, अर्पण आयुर्वेदा में हम यही फॉलो करते हैं कि जो कुछ हटके हो उसी को हम प्रेफरेंस देते हैं, और एक नई सोच को हमेशा जगह देते हैं, किसी भी, चाहे वो रस औषधि हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हो, चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, कुछ नया करने में विश्वास करते हैं। एक बड़ा बोल ये तो अर्पण आयुर्वेदा के बारे में हम जानते ही हैं। प्रतिभा ये शैम्पू बार के लिए आप इंग्रीडियंट जब तक लिखेंगे, ये एक शैम्पू मोल्ड है प्रतिभा, ये ऑनलाइन मिल जाता है बहुत इजीली, बहुत वेरियस शेप में आता है, बहुत सुंदर सुंदर इसके डिजाइन आते हैं। ये देखा, ये एप्रिल में आ रहा है। प्रतिभा जी सर, तो ये मोल्ड है, इसको सोप मोल्ड कहते हैं, आप सोप मोल्ड ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद इसके इंग्रीडियंट्स लिख लीजिए प्रतिभा, क्विक हम कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि ज्यादा कल्पनाएं हैं और बहुत सारा हम लोगों को आज डिलीवर करना है, थोड़ा क्विक कर लेते हैं। यस सर, चलिए इंग्रीडियंट्स लिखे प्रतिभा, जो इंग्रीडियंट्स हमने अभी शैम्पू में लिए थे वो इंग्रीडियंट्स इसमें लेने। देखिए आप कितना, इसका हम बेस लेंगे, इसका बेस जो है वो लेंगे त्रिफला, 100 ग्राम। जी सर। भृंगराज चून 50 ग्राम। जी सर।
कड़ी पत्ता टू 10 ग्राम, कड़ी पत्ता 10 ग्राम, 10 ग्राम गुड़हल का फूल सूखा हुआ, इसमें सूखा लेना है प्रतिभा, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनका हमको कोर्स पाउडर मतलब दरदरा चून लेना है, सुखा के दरदरा चून कर लेना है ना सर। हेलो हेलो जी सर, जी सर गुड़हल सूखा चून के बाद सर कितना लेना था गुड़हल का सूखा चून? सूखा चून के लिए 20 से 30 ग्राम लेंगे जी सर। गंदरा चून ले लीजिए। अच्छा इसमें ये सारे 10 रुपए आप और ले सकते हैं, इसमें हमने रीठा नहीं लिया है तो रीठा चून और सिकाकाई चून भी ऐड करना है, दोनों 30-30 ग्राम, रीठा चून और सिकाकाई चून 30-30 ग्राम जी सर, रीठा एंड सिकाकाई 30-30 ग्राम ग्राम है ना ये देना। जी सर। इसमें प्रतिबंध नीम का चून भी हम ऐड करें थोड़ा 20 ग्राम नीम का चून। ओके सर, नीम का चून। नीम का चून मुझे जहां ये सब जुटाने में थोड़ा समय लगता तो हम पहले से मिक्स करके इसको रखे हुए हैं। जी सर, जी सर, तो हमने पूरा ये मिक्स करके पाउडर तैयार कर लिया है। पाउडर तैयार कर लिया है, इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, जो टिकिया जो बनेगी हमारी शैम्पू बार तो वो टिकिया के फॉर्म में बने रहे, उसके लिए हमको थोड़ी मुल्तानी मिट्टी इसमें लेनी, तो मुल्तानी मिट्टी का एग्जैक्ट रेशियो कुछ तय नहीं है, आप 30 ग्राम क्यों नहीं आ रही है? हेलो हेलो जी सर, हेलो जी सर, जी सर, इसमें ऐड करनी है 50 ग्राम जी सर। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसको हमको एक बोल में ट्रांसफर करना है। एक बार और बता रहा हूँ, जो भी चम्मच लें या जो भी आप प्रिपरेशन के दौरान जो भी बर्तन लें वो सारे ठीक तरह से सूखे हुए होने चाहिए, चाहे तो आप इसको एक बार स्टरलाइज कर सकते हैं, कॉटन लेके इसमें आप कॉटन से इसको अच्छे से साफ कर लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेट लेके, और वैसे भी मुझे लगता है सैनिटाइजेशन की आदत बहुत अच्छी पड़ गई है इस लॉकडाउन में, किसी का क्या बोलते हैं? यस तो सैनिटाइज पात्र आप लीजिए तो आपका प्रिपरेशन कभी भी खराब नहीं है। ये लेना है, मैं इसमें एक और बात है प्रतिभा, हमको इसको भावना देनी है, इसको गीला करना है, तो आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा फल नीम का क्वार्ट या भ्रंगराज का फ्रेश क्वार्ट उससे भी आप इसको गीला कर सकते हैं, ये इस समय संभव नहीं है इसलिए मैं पानी ले रहा हूँ अभी, पर आप चाहें तो आप इसमें किसी चीज की भावना दे सकते हैं। जी सर, तो नीम का क्वाथ, भृंगराज का फल या फिर अभी पानी से जैसे आप दे रहे हैं तो इसको किसी भी चीज से ऐसा भावना दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी आरू का पानी लीजिए, पानी में भी ध्यान रखिए, पानी के ही भी साफ होना चाहिए आपका, ये प्रेम में आ रहा है प्रतिभा बोल। यस सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ठीक तरह से मिक्स कीजिए पाउडर के जिगर और इसको हमको ट्रांसफर करना है हमारा जो सूप का मोल्ड है उसमें। ये सर आप ट्रांसफर करें सर, तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि अपन को टाइम भी बचाना है ना सर। बिल्कुल तो सर हमने त्रिफला 100 ग्राम लिया, भृंगराज 50 ग्राम, कड़ी पत्ता का पाउडर 10 ग्राम, सूखा गुड़हल लेना है इस बार 20 से 30 ग्राम, रीठा और शिक्का काई भी आप 20-20 ग्राम ऐड कर सकते हैं, साथ ही नीम का पाउडर भी आप 20 ग्राम ऐड कर सकते हैं, इनको आप बार के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ पाउडर, भृंगराज
यस सर, तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम ऐड करें और उसमें रिफाइनिंग के लिए। यस सर। हाँ, बाइंडिंग एजेंट के लिए निर्भुतानी मिट्टी हमारे पास। यस सर, तो हमने सब कुछ मिक्स कर लिया और हम इसमें अब इसको हम मोल्ड में डालेंगे। हाँ, इसको मोल्ड में हमको ट्रांसफर करना है। मोल्ड तो बहुत सारे आते हैं, कुछ कमर्शियली आते हैं, वो इसमें बहुत सारे मोल्ड एक साथ होते हैं जिनमें हम एक साथ 1 दर्जन 2 दर्जन सोचकर बना सकते हैं। तो प्रतिभा, ये हमारा तैयार हो गया हर्बल शैम्पू बार। शैम्पू बार जी जी सर, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है सर। जैसे आप सोप यूज करते हैं, हाँ जैसे ये बहुत अच्छा निकलता भी है प्रतिभा, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी के कारण ये चिपचिपा नहीं होता, अच्छा से निकल जाता है। थोड़ा इसको शेड में सुखाना होता है प्रतिभा, ये जरूरी है, धूप में नहीं सुखाना है इसको। हाँ, तो हमें हाँ, याद हमको रखना छाया है कि किसको सूखा करना है। हाँ, सुखाना है इसे। जी छाया तो हमको करना है। ये शैम्पू बार उन्हीं सारे गुणों से युक्त है जिसका हमने पहले वर्णन किया था। इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं प्रतिभा, या तो इसका आप जी छोटा सा एक जब इस्तेमाल करना है आप, ये सूख जाएगा बढ़िया साबुन की टिकिया जैसे निकलता है। इसको आप बढ़िया पेपर से या पैकिंग पैकिंग अच्छे से करते कार्टन के ऊपर पैक कर सकते हैं। और ये प्रिपरेशन आपको बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, 20-22 रुपए इसकी कॉस्ट करीब जाती है एक टिकिया की। और आप 50 रुपए तक इसको बेच सकते हैं। बढ़िया है इसकी सर। सहवीरी अवधि, हाँ इसकी सहवीरी अवधि 6 महीने से 1 साल तक होती है। पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सूखने के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसे सुखाया है। जो आप पैक करें तो पॉलिथीन से अच्छी तरह से हवा ना लगे उसको ऐसा पैक करें, और उसके बाद इसको सील करें, 1 साल तक कुछ नहीं। इसको इसको इस्तेमाल एयर करने टाइट का तरीका मैं कंडीशंस बताता में हूँ। से रखना है। हाँ, एयर टाइट के लिए। जी सर, तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं सर? इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता दूं। इसका अच्छा, हाँ इस्तेमाल सर, का बताइए। तरीका ये है कि जी, या तो आप इसको एक एक बर्तन रख ले प्लास्टिक का, या जो हमारे सोप दान दान जिसको कहते हैं ना, जो सोप तो सोप का जो केस, सोप केस जो होता है, तो सोप केस जो होता है उसमें छेद होता है नीचे, वो नहीं लेना है हमको। या एक कटोरी रख लीजिए आप स्कूल की, और उसमें शैम्पू जब हमको करना है तो इसको पानी में भिगो दीजिए थोड़ी देर, 10 मिनट पहले। जी जब इसको भिगोते हैं तो ये साइड साइड से थोड़ा सा मेल्ट होगा, थोड़े से पानी से भिगोना है, और इसका एक अच्छा पाउडर आ जाता है, सॉरी इसका एक अच्छा पेस्ट हमको मिलता है। और उस जी पेस्ट को आपको फिर बालों में या कोट में लगा के 15 मिनट आधा घंटे तक छोड़ना है, फिर वॉश करना है। शैम्पू कंजर्वेटिव बिना हानिकारक है। बेहतरीन सर, बेहतरीन सर, तो प्रतिभा कैसे लगा आपको ये प्रिपरेशन? बहुत अच्छा सर, मैं कह रही हूँ बेहतरीन प्रिपरेशन है सर, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आ रही होगी। सर आप म्यूट हो गए सर, सर आप म्यूट हो गए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए हैं। अभी अभी ठीक है। हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। चलिए प्रतिभा, बालों की बहुत बात हो गई, चलिए अब स्किन की बात कर लेते हैं। ओके सर, अब हम स्किन की बात करेंगे। स्किन की बात करेंगे तो हम चालू करते हैं। जैसे हमने वॉश से शुरू किया, तो हम एक बहुत अच्छा फेस वॉश, प्रतिभा बहुत अच्छा फेस फेस वॉश है, पर ये पाउडर फॉर्म में है प्रतिभा, ओके सर, पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म। बहुत इजी है प्रतिभा, मेरा पर्सनल R&D है ये। इसमें भी प्रतिभा जो हम रेगुलर बात करते आ रहे हैं कि बेस और एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो जो यस जो फेस वॉश के बेस आते हैं प्रतिभा, वो भी ऐसे ही आते हैं, 100 रुपए किलो से चालू होते हैं और 500 रुपए किलो तक बेस बनने बनाए आते हैं। ये बेस भी पूरी तरह से डिटर्जेंट बेस या केमिकली ओरिजिनेटेड होते हैं,
जो उसी प्रकार से स्किन से मॉइस्चर लेते हैं जैसे शैम्पू ले रहे थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो फेस वॉश है ये चेहरे से एक्सेसिव ऑयल ले लेते हैं जी सर, तो चेहरों से ऑयल आता है वो एक प्रोटेक्टिव मेजर है स्किन का, जो प्राकृतिक मेजर है वो हमारे पोर्स को क्लोज करके रखता है ताकि बाहर से जो धूल है या प्रदूषण है वो अंदर ना जा पाए, इसलिए पोर्स में ऑयल होता है। पर जब आप SPF यूज करते हैं, जो SPF बहुत सारे सर आते हैं, जब आप SPF यूज करते हैं या सनस्क्रीन जो आते हैं SPF वाले बहुत सारे, या आप बहुत सारे ऐसे फेस वॉश यूज करते हैं जो उस ऑयल को स्किन से निकाल लेते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, जो एक स्किन का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल आ रहा था ये आपकी त्वचा को बाहर के प्रदूषण से धूल से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर था। जैसे हमने देखा कि बालों से यदि बहुत ज्यादा स्नेह ले लिया जाए तो बालों में प्रॉब्लम हो जाती है, वैसी स्किन है, यदि स्किन से स्नेह बहुत सारा ले लिया जाए तो भी प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो जाती है, इवन सोराइसिस भी हो जाता है। सही बोल रहा हूँ प्रतिभा, मैं क्या बोलते हैं? हाँ सर बिल्कुल सर, हम लोग तो सोच रहे हैं ये फेस वॉश लगा के हमारी स्किन अच्छी हो रही है, पर ये तो कुछ उल्टा ही काम हो रहा है सर। देखो ये सारे सारे इनके सिद्धांत उल्टे हैं प्रतिभा, केमिकल रिसिनेटेड वालों के, ये कभी भी हमारे 5000 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद का जो मूल रहस्यमय ज्ञान है इसके लेवल पे पहुंचने में इन्हें मुझे लगता है 5-4 साल और लग जाएंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो चलिए हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटी कल्पना है, जैसा मैंने बताया कि फेस वॉश जो है सारे वो तेल से ऑयल ले लेते हैं या नमी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका बेस हम लेंगे प्रतिभा मुल्तानी मिट्टी, है ना, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, आप चाहें तो घर में पाउडर कर सकते हैं या बना ले सकते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है मुल्तानी मिट्टी, 60 रुपए किलो के लगभग में मुल्तानी मिट्टी आपको अच्छी मिल जाती है। यस सर, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। इसमें हमको देना है नींबू के रस की भावना, नींबू के रस की भावना हमको देनी है सर, मुल्तानी मिट्टी में हम नींबू के रस की भावना देने वाले हैं, नींबू के रस की भावना देंगे बच्चा, और तीन भावना देनी है आपको सर, तीन भावना, हाँ भावना देने का तरीका वही जो है, एक बार भावना देनी है उसको, इसमें बहुत ज्यादा देर तक करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्जिनम पुनर्वर्तनम वाला जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं सभी कल्पनाओं में वही हमें यहाँ फॉलो करना है, पर आपको बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक प्रहर दो प्रहर इसमें आवश्यकता नहीं है, आप एक घंटे की भावना या आधे घंटे की भावना देंगे उतनी ही काफी है, आधे से एक घंटे का टाइम सही रहेगा, आधे से एक घंटे की भावना आपको देनी है, और एक भावना देनी है इसको शेड में सुखाना मतलब छाया सृष्टि करना है, फिर दोबारा दूसरी भावना देनी है, फिर दोबारा तीसरी, ऐसे तीन भावना देनी है जी सर। जब प्रतिभा हम R&D इसमें कर रहे थे तो हमने इसमें 7 भावना तक लेके गए थे, 5 भावना 7 भावना यहाँ तक हमने किया, 7 भावना हाँ, पर जो रिजल्ट है वो 3 भावना में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि हमको महंगी नहीं करनी है, जितनी भावना देंगे हम उतनी लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, तो हम तीन भावना वाला इनफ है। तो प्रतिभा ये हमारा तैयार हो गया, अब इसको तुरंत हम बता नहीं सकते हैं कि तुरंत बन गया, पर ये बहुत तीन भावना आपको देनी है तो 3 दिन या 4 दिन इसको लगते हैं बनने में, पर बहुत सरल है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमको मिलता है, जी बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमको मिलता है जैसे मुल्तानी मिट्टी है, और इस तरह की डब्बों में आप उसको भर के और बहुत आसानी से बेच सकते हैं। मैं प्रतीकात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम लेता है प्रिपरेशन, तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार की डब्बियों में भर के आप इसको बहुत आसानी से 40 रुपए से लेके 100 रुपए तक बेच सकते हैं, आपको बनाने के पास 20 रुपए से भी कमाते हैं। बिल्कुल सर, इसमें क्या ही कॉस्ट लगने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रतिभा इसके गुण जैसे हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल ओरिजिनेटेड फेस वॉश है वो नमी ले लेते हैं, तो आपको पता ही है विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट करता है विटामिन सी स्किन को, और होता है तो ये प्रतिभा
स्किन से ऑयल भी निकाल देगा, एक्सेसिव ऑयल मतलब ऑयली स्किन को भी बेनिफिट कर देगा और ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं लेगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा रेडी हो गया आयुर्वेदिक फेस वॉश पाउडर फॉर्म जी। प्रतिभा एक फुट की बराबर लेना होता है जी। प्रतिभा जी यूज करने का तरीका ही पूछ रही थी सर मैं। यूज करने का तरीका सिर्फ आपको इतना एक चुटकी या दो चुटकी लेना होता है, हाथ में लीजिए थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और ऐसे करके बस आप चेहरे पे लगा लीजिए। जैसे हम वेट लॉस को थोड़ी देर एक मिनट दो मिनट रब करते हैं जी सर बस और तैयार है। रिफ्रेशिंग लगता है प्रतिभा बहुत अच्छी क्योंकि नींबू की खुशबू आपको पता होगी कि तरोताजा कर देती है सर। बिल्कुल दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही शानदार है सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल है प्रतिभा और बनाने में भी इजी है, कोई बहुत ज्यादा हमको इसके लिए एफर्ट्स नहीं लगेंगे। यस सर। कैसा लगा प्रिपरेशन आपको प्रतिभा? सर मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा है, बस ऑडियंसेस के फीडबैक्स का वेट कर रहे हैं हम। चलिए चलिए वो हम बाद में देख लेंगे। चल सर नेक्स्ट अब क्या बनाने वाले हैं हम सर? नेक्स्ट हम फेस से रिलेटेड ही कुछ बना लेते हैं। हम एक फेस सीरम बनाते हैं प्रतिभा। फेस सीरम जी। फेस सीरम ओके सर। सीरम शब्द जो है ना प्रतिभा आजकल बड़ा ट्रेंड में है, जैसे कोरोना ट्रेंड में है ना वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सीरम बहुत ट्रेंड में है। बिल्कुल सर। आप कहीं शिकार तो नहीं हो इस जाल मकर जाल का? प्रतिभा आपने कोई सीरम यूज किया प्रतिभा आज तक? यस सर किया है मैंने। बहुत महंगे आते हैं सर सीरम। कौन सा सीरम? जी जी बहुत महंगे आते हैं और उनमें भी वही कहानी है प्रतिमा कि जैसे मैंने बताया सलाद के ऊपर नमक हमने रख दिया बस वैसा ही होता है। एक बेस होता है उसके उसमें बिल्कुल 1%, 2%, 5% तक हर्बल इंग्रीडियंट्स डाल दिए जाते हैं और उसको आयुर्वेद का नाम दे दिया जाता है। और क्योंकि सीरम विदेशी शब्द है तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा हमको देनी होती है। मुझे लगता है प्रतिभा शायद 250 रुपए से शुरू होते हैं सीरम और 5000 रुपए तक आते हैं। बिल्कुल सर, 1000 से नीचे तो अच्छे वाले सीरम आते ही नहीं। बिल्कुल चलिए प्रतिभा फटाफट हम इसको बना लेते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम जो लेंगे वो है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल जी ये मैंने एक कंपनी का लिया है, लोग समझ ही गए किस कंपनी का है। इसमें आपको फ्रेश नहीं लेना है क्योंकि हमको इसको क्योंकि हमको इसको लंबे समय तक रखना है तो ये बने बनाए प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव पहले से होता है तो ये खराब नहीं होगा, इसलिए हमको कंपनी का लेना फ्रेश नहीं लेना। ठीक है प्रतिभा? यस सर। प्रिपेयर्ड एलोवेरा जेल लेंगे। हाँ प्रिपेयर्ड एलोवेरा जेल आप जो भी आपको ब्रांड पसंद आता है उसका ले लीजिए। और ये एलोवेरा जेल लेने का एक कारण ये भी है कि ये कंसिस्टेंसी हमारे प्रिपरेशन को प्रदान करता है। जी सर। उसके बाद प्रतिभा में हमको ग्लिसरीन ऐड करनी है। क्या ऐड कर रहे हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन 30% आप ले लिए एलोवेरा जेल 30% मतलब 30 ml। कितना ग्लिसरीन ऐड किया है सर आपने? 10 ml 30 ml एलोवेरा जेल 10 ml ग्लिसरीन। जी सर 10 ml ग्लिसरीन। ठीक है उसके बाद विटामिन ई ये अब हमारे यहाँ तो बहुत लीटरों के पैक आता है, मैं इसमें छोटा थोड़ा रख के आया हूँ। हेलो जी प्रतिभा सुन पा रहे हैं? जी सर। अब हम क्या डालने जा रहे हैं सर? इसमें प्रतिभा हम डालेंगे विटामिन ई सॉरी विटामिन सी। विटामिन सी क्योंकि स्किन के लिए डिस्कस किया स्किन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। ये लिक्विड आता है हमको मतलब जैसे इंडस्ट्रीज में तो हमको लिक्विड में मिल जाता है, आपको लेना है तो आप उसमें लिखिए विटामिन सी की टैबलेट आपकी लिंची नाम से आपने पता होगा आपको
जी सर बिल्कुल बहुत अच्छी आती है। तो दो टैबलेट इस प्रिपरेशन या चार टैबलेट इस प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। आप चार टैबलेट ले लीजिए लिमसी की, उसको मिनरल वाटर में मतलब बॉटल वाटर यूज करते हैं डिस्टिल वाटर, उसमें आप घोल लीजिए चार 10 ml 30 ml पानी में चार टैबलेट आप घोल लीजिए, वो उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये विटामिन सी हम ऐड करेंगे। ओके सर, विटामिन सी लिक्विड बनाने के लिए हम 30 ml मिनरल वाटर में चार विटामिन सी के टैबलेट्स ऐड करके ये फ्लूइड बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं आप। इसमें हम इसको 2% लेंगे मतलब 2 ml, 2 से 3% हम इसमें विटामिन सी ऐड करेंगे। जी ठीक है सर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल रोज वाटर। रोज वाटर की स्किन के लिए सर बहुत यूजफुल होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत। तो आप इसमें रोज वाटर ऐड कीजिए लगभग 30 ml रोज वाटर। 30 ml रोज वाटर ऐड किया हमने, तो थोड़ा मिलाना होता है, ये छोटा बर्तन है इसलिए आपको थोड़ा मिलाने बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है मिलाने की। देखिए जो अभी जेल की कंसिस्टेंसी थी वो थोड़ी लिक्विड हो गई, सीरम थोड़े सेमी सॉलिड होते हैं, सेमी लिक्विड से होते हैं ना। जी सर। इसके बाद हम इसमें एक ऑयल यूज करेंगे, तो बादाम का तेल हम इसमें लेंगे, बादाम का तेल। बादाम का तेल सर आपको रिकमेंड करेंगे? बादाम का तेल जी, बादाम का तेल इसमें लेंगे। यस सर। सर तो जो मार्केट में सर बादाम का तेल मिलता है वो यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो ये 10 रुपए वाला बादाम का तेल नहीं लेना है इसलिए मैंने पूछा सर। तो कौन सा बादाम का तेल यूज करें? बादाम जो बादाम जो बादाम रोगन नाम से आता है, जो एक्चुअल बादाम की कीरियों को पीस के निकाला जाता है, वो बादाम रोगन का तेल हमको लेना है। पतंजलि का भी आता है और भी कंपनियों का आता है, तो बादाम का तेल हमको इसमें लेना है। सर कितना ऐड करें? 20 से 30 ml बचेगा। आप इसको तय कर सकते हैं अपने अनुसार, यदि आपको ऑयल ऑयली बहुत ज्यादा नहीं रखना अपने सीरम को तो इसको कम ले सकते हैं, या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, 10% डाल दीजिए बस 10 ml। तो सर ऑयली स्किन वालों के लिए भी इतना ऑयल ऐड कर सकते हैं? ऑयली स्किन वालों के लिए 5 से 10% आप ले लीजिए, तो वो ऑयली वालों को अच्छा हो जाए। ओके सर। तो प्रतिभा क्या लगता है कितना समय लगेगा और इसको करने में? यस सर। कितना समय लगेगा और इसको बनने में क्या लगता है? सर जिस तरह से आप मिला रहे हैं सर लग तो रहा है कि बन गया बिल्कुल बिल्कुल ये बन के तैयार है। मैं एक हमारा हेयर ऑयल का बहुत अच्छा प्यारा बॉटल है, उसमें ट्रांसफर करके बताता हूँ ये सीरम को। ये देखिए बॉटल, ये डायरेक्ट पोर में लगाने के लिए, ये सॉरी ये हेयर वाला सीरम है, ये हेयर का एप्लीकेटर है, और ये फेस का सीरम है। तो ये बॉटल बहुत प्यारी बॉटल जो है, इसमें हम इसको ट्रांसफर, इसको थोड़ा और फेंटना था मुझे, विस्कोसिटी और कम हो जाती है, फाइन हो जाता है। आपको दिख रही है विस्कोसिटी इसकी? यस सर दिख तो रही है सर। तो सर इसको इतना ही कंसिस्टेंसी इतनी मेंटेन रखनी है इसकी? नहीं सीरम जैसी रखनी है प्रतिभा, ये एक्चुअल में इंग्रेडिएंट सही है, पर थोड़ा और पीछने पे ये थोड़ा और लिक्विड हो जाता है। आप चाहें तो अपने अनुसार इसमें गुलाब जल या एलोवेरा जल सॉरी गुलाब जल और ग्लिसरीन थोड़ा और ऐड करके थोड़ा और पतला कर सकते हैं। ये भी देखिए फाइन नहीं हुआ है, थोड़ा और पीछने पे फाइन हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, पर अच्छे से पीटने में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। ये हेयर का एप्लीकेशन है, पर फिर भी हम लगा ले रहे हैं। तो प्रतिभा ये हमारा फेस सीरम लगभग लगभग बादाम का तेल क्योंकि महंगा है उसके कारण लगभग लगभग ये 60 रुपए से लेके 80 रुपए के बीच में तैयार हो जाएगा। 50 ml का ये बॉटल है, 60 से
इससे आधी क्वांटिटी सर 1000 रुपए की फेस सीरम की आती है सर, इससे आधी क्वांटिटी। कितने कितने की? सर आप, अब आप हमें सर जल्दी से बेनिफिट्स बता दें सर इस सीरम के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, हमने इसमें एलोवेरा लिया है, तो एलोवेरा मॉइस्चर देता है स्किन को। उसके बाद ग्लिसरीन लिया है, ग्लिसरीन भी मॉइस्चर लॉक का काम करती है। विटामिन सी स्किन को रीजनरेट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। आप चाहें तो विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी ऐड कर सकते हैं, पर जैसे जैसे हम इसमें चीजें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही महंगा होते जाएगा। यस सर तो बिल्कुल। विटामिन सी सस्ता पड़ता है, इसलिए विटामिन सी ऐड। गुलाब जल, रोज वाटर के कितने गुण है आपको पता ही है। तो ये ओवरऑल सभी प्रकार की स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट सीरम जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप इसको रात को फेस वॉश, अच्छे से फेस वॉश करके, हमारे पाउडर से फेस वॉश करके, उसके बाद इस सीरम को आप लगा के सो जाइए। आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फेस लेके गुड मॉर्निंग करेंगे। ठीक सर बिल्कुल है, सर, हमारे यहाँ एक पेशेंट और तैयार होगी। यस सर। सर एक बार मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ सर, है ना? तो हाँ बिल्कुल 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 सर हमने बेस के लिए एलोवेरा जेल हमने प्रिपेयर्ड इसमें लिया, क्योंकि हमको ये लंबे टाइम तक रखना है, तो हमने 30 ml एलोवेरा जेल लिया। देन हमने 10 ml ग्लिसरीन ऐड करा। एंड विटामिन सी आप अपना टैबलेट्स के थ्रू बना सकते हैं, और उसको 2 से 3% आपको ऐड करना है उस फ्लूइड का। दो से 3% या 2 से 3 ml हम बोलिए आप। जी 2 से 3 ml। और उसके बाद बादाम रोगन का तेल 20 से 30 ml, और ये आप उसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, वैसे उसको आप अपने हिसाब से ऑयली स्किन या कैसी स्किन में आपको अप्लाई करना है वैसा आप इसको ले लीजिए। यस सर। और रोज वाटर आप 30 ml ऐड करके बस इसको फेंट लें अच्छे से, जैसे सीरम की बस कंसिस्टेंसी बस होती है। एंड आप बढ़िया सी बॉटल में पैक करके और ये ऐसे बटन हजार में बैठ सकते हैं। जी। और ये जैसे सारी चीजें हैं, इसमें ध्यान देने वाली बस बात इतनी है कि विटामिन सी जब आप बनाएंगे टैबलेट से, तो उसको आपको सावधानी से बनाना है, तो ये खराब नहीं होगा। 1 साल तक इस प्रिपरेशन को कुछ नहीं होता बिना केमिकल किसी प्रिजर्वेटिव। सर कैसी सावधानी, आप विटामिन सी बनाते समय कैसी विटामिन सावधानी? सी को आप जब बनाते हैं पानी में लेना, तो डिस्टिल्ड वाटर में ही आप लीजिए, नहीं तो खराब हो जाएगा यदि आपने सादे पानी के साथ इसको बनाया। आप ओके सर, चाहें तो डिस्टिल रोज वाटर। वाटर में घोल सकते हैं, रोज वाटर में घोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर की जगह, उसी रोज वाटर में आप विटामिन सी घोल लीजिए, तो ये खराब नहीं होगा। यस सर, ओके सर। चलिए चलिए, फेस की बात हो रही तो फेस से रिलेटेड एक प्रिपरेशन हम और बनाएंगे। यस देखिए प्रतिभा, ये जमने भी लगी लगी सर, को कितना टाइम लगता है सर इसको जमने में, एक अंदाजा अगर हम देखें तो? अंदाजा, जैसे ये तुम्हें तो ओवरनाइट हो जाता है, सॉरी मतलब 24 घंटे में बढ़िया हो। ओके सर, अब नेक्स्ट क्या बनाने वाले हम? अब फेस से रिलेटेड ही हम एक सुन पा रहे हैं, शार्पनर यस सर, क्या बनाने वाले हैं सर अब हम? मास्क, हम एक शार्पनर मास्क के प्रिपरेशन हम बनाएंगे। चारकोल मास्क सर, ये तो बहुत पॉपुलर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो वाला शार्पनर नहीं है जो हमने बालों के लिए लिया था, क्योंकि उस शार्पनर में मैंने जैसे बताया था हर्रा और भेड़े का चारकोल था, वो ये यस सर, एक्टिवेटेड चारकोल है, मैंने भी अमेजोन से ही मंगवाया है। तो आप एक अच्छे ब्रांड का जिसके रिव्यू सही से लगते हैं आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बुला लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल। इसकी एक आर एन डी जैसे मैंने बताया, मैं बालों के लिए कर रहा हूँ, साथ साथ में स्किन के लिए भी वो कर रहा हूँ, कि मजिस्ठा की लकड़ी का चारकोल या खजीर की लकड़ी का चारकोल हम हमारी प्रिपरेशन के लिए लें, ताकि उस पर्टिकुलर वनस्पति के गुण भी हमको मिल पाए। ये मास्क यस बहुत अच्छा है, एक गारंटी वाला प्रतिभा। एक अच्छी कल्पना के लिए एक बात कही जाती है कि एक अच्छी कल्पना वो होती है जो कम से कम द्रव्यों में और कम से कम एफर्ट्स में बन जाए। तो ये वैसी बिल्कुल छोटी सी सर, कल्पना है, पर बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सरल है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है इसमें, तीसरा ऑप्शनल है। ठीक है, इसको जी सर, बनाने के लिए हमको लगेगा एक्टिवेटेड चारकोल, साथ
70 से 80%, मतलब 100 ग्राम यदि आप बना रहे हैं तो 70 से 80 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। जी सर। ये एक अलग इंग्रेडिएंट है प्रतिभा, तुम्हें शायद चंबा हो कि ये क्या इंग्रेडिएंट है। ले गैस कर सकते हो क्या होगा? नहीं सर, अब आप ही बताएं सर क्या है ये। ये है दूध का पाउडर। दूध का पाउडर? जी जी मिल्क पाउडर है। तो सर ये वही वाला मिल्क पाउडर जो हमें बाहर मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल वही, जो अमूल का मिल्क पाउडर है। ये हमको यदि 20-30% हमको ये मिल्क पाउडर लेना। ओके सर, मिल्क पाउडर 20-30%। और इसको मिक्स हमको करना है। ये हमारे व्यूअर्स को लग रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि ये 2-2 मिनट की प्रिपरेशन है, इनमें क्या है या बहुत आसान है ये, तो उसके पीछे आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत गहरी आरएनडी लगती है जब कॉस्मेटिक वाले आप सेक्शन में जाते हो, क्योंकि हमारे शास्त्र में बहुत ज्यादा नहीं है। जो है वो इतना मुश्किल है कि उसका एक उसको कर पाना एक वैद्य के लिए बहुत मुश्किल है, तो हम उसको जनता को डिलीवर कैसे करें? बिल्कुल सर। ये एक मेरी आरएनडी है, मैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट अभी बहुत सारे नहीं बनाता हूँ, 2-3 ही प्रोडक्ट में बनाता हूँ जिनमें हमारा हेयर ऑयल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये लगभग लगभग हम 30,000 यूनिट इसके साल भर में बेच लेते हैं, तो ये ऐसे 1-2 ही प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। उसका कारण ये है कि मैं एक बहुत स्ट्रांग आरएनडी में बिलीव करता हूँ कि किसी भी उत्पाद को मार्केट में लाने से पहले हम एक स्ट्रांग आरएनडी करें, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में जाए तो उसका शिकायत ना कंज्यूमर करे ना चिकित्सक ना हमारे वैद्यगण। ये बहुत स्ट्रांग आरएनडी का विषय है। इसमें मिल्क पाउडर इसलिए लिया है प्रतिभा क्योंकि जो चारकोल है, चारकोल ऑयल लेता है, मतलब ये चारकोल रुक्ष जैसे सर्वदा सर्व भावनम सामान्यम प्रति कारणम, एक बहुत ही वेल नोन सिद्धांत हमारा है। तो चारकोल क्योंकि पहले से रुक्ष है तो ये स्किन से डर्ट ऑयल ये सारी चीजें लेता है, तो डर्ट ऑयल ये सब कहाँ प्रिजर्व होता है? ये सारा जो हमारे पोर्स में ऑयल या स्किन में जो ऑयल होता है उसमें ये रुक जाता है, तो ये चारकोल इस ऑयल को लेके साथ में वॉश आउट करता है और जो गंदगी हमारे चेहरे की उसको निकाल लेता है। पर इसके साथ हमने दूध पाउडर इसलिए लिए हैं क्योंकि आयुर्वेद में दूध चेहरे में लगाने का भी विधान है। यदि आपको स्किन साफ करनी है तो बहुत सारी जगहों में वर्णन है कि आप एक रुई का पाया लेके दूध से अपनी स्किन को साफ कीजिए, पर आप ये एज ए चिकित्सक एक रोगी को बता देंगे तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, ये कोई इलाज थोड़ी हो, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये इसमें दूध का जो इम्प्लीमेंटेशन होना था, दूध है वो मॉइस्चर लॉक करता है, दूध में स्नेह होता है, तो वो स्नेह वाला भाग हमारे चारकोल जो एक्सेसिव ऑयल ले रहा था, जैसे मुल्तानी मिट्टी के साथ हमने नींबू का कॉम्बिनेशन किया वैसे ही हमने चारकोल के साथ दूध का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, तो हमने दूध पाउडर का कॉम्बिनेशन। ये बहुत कमाल की जोड़ी है, काले सफेद की जोड़ी जो है वो धमाल मचाती है, बहुत सस्ता पड़ता है। तो प्रतिभा ये रेडी है हमारा चारकोल, हम इसको चारकोल मिल्क मास्क या ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं, बहुत सुंदर सा ब्लैक एंड व्हाइट मास्क है। नहीं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मास्क, ये बहुत अच्छा नाम दिया प्रतिभा तुमने, मैं जब लॉन्च करूंगा तो इसका नाम यही रखूंगा तुम्हारे तुम्हारे ग्राफ में, इसका नाम में। तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ चारकोल एंड मिल्क पाउडर से ये चारकोल फेस मास्क तैयार किया है। तो सर जैसा कि बता रहे हैं कि इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, तो आप लोग प्लीज इसको ट्राई करें और फिर इसके रिस्पांस, इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं हमको प्लीज फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक आप दे सकते हैं। अर्पण आयुर्वेद का फेसबुक पेज है, इसी नाम से अर्पण आयुर्वेद नाम से फेसबुक पेज है, साथ में आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे भी रिव्यूज दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कभी भी, आप कोई भी इंक्वायरी हो आपकी कॉस्मेटिक रिलेटेड तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं परेशान होने में बहुत पसंद होऊंगा यदि आप मुझे परेशान करें।
प्रतिमा ये हमारा 100 उत्पाद केमिकल फ्री, कोई कलर नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं, ये हेयर मास्क तैयार है। चारकोल हेयर मास्क को क्या लगता है? फेस मास्क तैयार है। इस फेस मास्क को हम कितने में बेच सकते हैं मेरी बात? तुम्हें क्या लगता है मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? सर मार्केट के हिसाब से जाएं तो सर कितने में भी बेच सकते हैं सर? मेरे हिसाब से 200 रुपए, 200 रुपए में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको बेच रही होगी कहीं ना कहीं। यस सर, इसकी कॉस्ट, हाँ इसकी कॉस्ट हमको मात्र 30 से 40 रुपए के आसपास जाती है, क्योंकि आपके चारकोल आप अच्छी कंपनी का लें, सस्ती कंपनी का भी आता है, पर ये एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड आप यदि लेते हैं तो 50 ग्राम का जार आपको 30 से 40 रुपए में पड़ता है, 120 रुपए से लेके 200 रुपए तक आप इसको बेच सकते। बहुत अच्छा मास्क है। मैंने गुलाब जल यहाँ इसलिए रखा था कि जब आप अप्लाई करना है आपको, इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बता दूँ, तो इस चारकोल मास्क को आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा गुलाब जल ऐड कीजिए और चेहरे पे लगा लीजिए। आधे घंटे 40 मिनट तक इसको रखिए, नॉर्मल सादे पानी से वॉश कीजिए, ट्रेमेंडियस रिजल्ट। जैसा यस सर, बिल्कुल इसको आप भी प्रतिमा आपने नाम ट्राई दिया इसको ब्लैक एंड व्हाइट मास्क, तो ये ब्लैक टू व्हाइट ले जाता है। करूंगी। यस सर, सर ये बहुत ही इसलिए ये पॉपुलर गुलाब जल हमने, है सर। जी, जी सर, तो नेक्स्ट अब हम क्या लेने वाले हैं? अब हम बालों से शुरू किया था हमने, फिर थोड़ा नीचे आए स्किन पे, अब बॉडी पे आ जाते हैं। ओके सर, चलिए। तो एक बॉडी स्क्रब, बॉडी स्क्रब प्रतिभा, जैसे हम भोपाल में हैं, हम लोग सब भोपाल से रहे हैं कभी ना कभी, या भोपाल में हो अभी, तो भोपाल में निक्की बाबा बड़ा फेमस नाम है जी, हमारे। हाँ हमारे एक मित्र हैं, बहुत चहेते मित्र हैं, डॉक्टर शिवम मिश्रा। तो जब हम पढ़ते थे सेकंड ईयर में, तब वो निक्की बाबा के यहाँ पे कॉस्मेटिक का छोटा कोर्स करने गए थे, सर्टिफिकेट कोर्स, जी और लगभग 20,000 रुपये उसकी फीस थी, और वहां उनको ये यही ऐसे ही वेरियस आइटम्स बताए गए थे, पर वो कॉमिकली बेस्ड थे। तो निक्की बाबा के यहाँ पे, नाम नहीं लेना चाहिए, एक स्पा सेंटर में बॉडी स्क्रबिंग का चार्जेस मीडियम रेंज से हम यदि बात करें तो 1,500 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक होते हैं। 15,000 15,000 तक बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी स्क्रब, चॉकलेट स्पा, चॉकलेट बाथटब के बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो यस, आजकल वेरियस तो पता। पैकेजेस बहुत पॉपुलर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हो गए। मैं जब शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस करता था तो हम एक वैवाहिक पैकेज नाम से एक पैकेज रखते थे, इसमें ब्राइड और ग्रूम को लेते थे और 7 दिनों तक उनको अभ्यांतर और बाहें दोनों सूची प्रदान करते थे, जी लघु वमन, लघु विरेचन, एक आध बस्ती का सेशन और षष्ठीशाली के सेशन हम रखते थे उनके। तो ये सारे चीजें, एक शिरोधारा और हेयर मास्क, ये सब करके हम पैकेज करते थे। बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत पॉपुलर था उस समय। फिर प्रैक्टिस छूट गई मेरी, तो अभी नहीं कर पाता हूँ, आप लोग करिए। अभी भी इस रिलेटेड आपको कोई डिस्कशन करना हो तो आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो वही, ये एक बॉडी स्क्रब है, तो यस सर, सुन पा रही हैं? तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप एक बहुत एक जार दे दीजिए एमपी, इसके लिए प्रतिभा हमको लेना है, क्योंकि स्क्रब है तो स्क्रब प्रतिभा देखा होगा आपने, थोड़े दरदरे से होते हैं, तो यस सर, इसके लिए हमको लेनी है ब्राउन शुगर, थोड़ी दरदरी पिसी हुई व्हाइट सो व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं सर? शुगर भी ले सकते हैं, थोड़ी दरदरी पिसी हुई होनी चाहिए। यस ओके। खसखस का पाउडर, हेलो, हाँ हाँ प्रतिभा सुन पा रहे हैं? यस सर, ब्राउन शुगर में सर क्या ऐड किया है हमने? हेलो, ब्राउन शुगर के बाद, इसके बाद प्रतिभा ये चॉकलेट पाउडर है, क्योंकि हमको निक्की बाबा वाला चॉकलेट स्पा करना है आज।
चॉकलेट पाउडर ये थोड़ी नमी के कारण जम गया है, थोड़ा जल्दी जम जाता है। सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, वाइन एक बार पाउडर ले इंग्रेडिएंट्स लीजिए, रिपीट कर ये सकते बहुत हैं सर? जी। हाँ बिल्कुल, आप ब्राउन शुगर ले लीजिए 50 ग्राम, यस सर। 50 ग्राम खसखस का पाउडर, सॉरी खसखस, खसखस 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम ब्राउन शुगर। ये फुल बॉडी के लिए बता रहे हैं, मैं पूरी बॉडी के लिए जो लगता है वो बता रहे हैं, है ना। 20 ग्राम से 30 ग्राम चॉकलेट पाउडर। यहाँ प्रतिभा हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको कॉफी, मान लीजिए आपको कॉफी नाम रखना है इसका, है ना, तो आप कॉफी पाउडर ले लीजिए। मान लीजिए आपको चॉकलेट नाम देना है तो चॉकलेट पाउडर ले लीजिए ओके सर। ना, इसको पाउडर को मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, बस इतना ही करना है। अब प्रतिभा ये रेडी है, तो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है सर। बस बस 3 इंग्रेडिएंट, चौथा इंग्रेडिएंट है पर मैं आपको बताता हूँ। चौथा इंग्रेडिएंट हमने 50 ग्राम वाइट शुगर लिया, 50 ग्राम खसखस और 30 ग्राम हमने चॉकलेट पाउडर, अगर आप चाहें तो आप कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना हो। जी आपका, हाँ हाँ आप चाहें एंड तो देन ये बॉडी कॉफी स्क्रब पाउडर, रेडी है। ये बॉडी इसका बेटी है। अब आप 15,000 कमाने के लिए तैयार है प्रतिभा, बिल्कुल सर। ये हमारा बॉडी स्क्रब पाउडर रेडी है। एक चीज आप देख रहे होंगे कि एक चीज हमारे पास बची है, ये है प्रतिभा कोकोनट ऑयल। यस सर, कोकोनट ऑयल सर, वर्जिन कोकोनट ऑयल या हाँ नॉर्मल कोकोनट? वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ओके सर। प्रतिभा इसको दो तरीके से, यदि आप पंचकर्मा रूम में ये करने वाले हैं, आप थेरेपी रूम में करने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पाउडर में 50 ml से लेके 100 ml तक, 75-80 ml तक आपको नारियल का तेल मिलाना है। एक बोल लीजिए उसमें इस पूरे पाउडर को डालिए, नारियल का तेल मिलाइए और पूरी बॉडी को या जो भी पैकेज आपने दिया है, हाथ अकेले का कर सकते हैं, आप पैर अकेले का कर सकते हैं, आप फुल बॉडी कर सकते हैं, ऐसे करके इसको कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम अलग सेगमेंट में हैं और बॉडी स्क्रब इसको नाम दिया है, तो हम इसकी बॉडी के लिए बस अप्लाई करें, पूरी टैनिंग चली जाती है प्रतिभा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं, डेड स्किन डेड टिश्यूज जो है वो निकल जाते हैं। इसमें खसखस जो लिया है प्रतिभा ने, तो ये पेनिट्रेशन देता है बहुत अच्छा, हमको हल्की मसाज करनी होती है इसके साथ, तो ऑयल ऑयल इसका मीडिया हो जाता है, और खसखस का तेल, खसखस के बीज और शुगर के जो कण हैं वो बहुत अच्छा नाइस स्क्रब देते हैं। शुगर के स्क्रब बहुत सारे आपने सुने होंगे कि कच्चे शक्कर के दाने भी बहुत सारे लोग चेहरे में लगाते हैं, तो वो जी इसीलिए सर। लगाते हैं क्योंकि डेड स्किन को निकालता है। अगेन हम हमारे एडवेट प्रिंसिपल्स में चले जाएं, तो इस प्रिपरेशन में आपको पता होगा कि बॉडी को मसाज देने का या स्पा करने का पर्पस जो है वो स्नेह प्रदान करना है उसको, या मधुर रस हमको चाहिए, तो हमने मधुर रस भी है इसमें और स्नेह भी है, जी पूरी सर। तरह से आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये हमारा बॉडी स्क्रब। आप इसको चाहें तो यदि सेल करना है आपको, तो आपको दो सेपरेट यूनिट्स में सेल करना होगा, एक में आपको कोकोनट ऑयल सेल करना होगा और एक जार में आपको ये देना होगा, या फिर आप चाहे तो बता दीजिए कि इसको कोकोनट ऑयल में मिला के आपको ऐसे करना है घर में यदि आप देना चाहें। और मैं रिकमेंड करूंगा फीमेल प्रैक्टिशनर्स को या मेल ब्यूटिशियंस को या सॉरी मेल कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो BMS वाले कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको कि आप थेरेपी रूम में कीजिए, एक डिसेंट चार्ज भी आप इसका रखते हैं, हाँ लगभग 100 रुपये, जैसे चॉकलेट पाउडर थोड़ा महंगा होता है, 100 से 125 रुपए के आसपास ऑपरेशन है, आप 500 से 800 रुपए भी एक डिसेंट चार्ज रखते हैं सिंगल थेरेपी का, तो देखिए आप एक अलग टाइप का एक एड ऑन कर पाएंगे एक थेरेपी अपने उसमें, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगेन हमारा एक और केमिकल फ्री क्विक बनने वाला एक प्रिपरेशन रेडी है, विच इज बॉडी स्क्रब। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी कल्पना एक तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन रही है, मतलब बिलीव ही नहीं होता है सर, इतने महंगे महंगे जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके इतने अच्छे ऑल्टरनेटिव और पूरे आयुर्वेदिक सिद्धांतों को पूरा करते हुए
हमारे पास ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन, यस सर, अब क्या है सर? अभी दोबारा हमें बालों पे आना पड़ेगा। ओके सर, हम क्या बनाने जा रहे हैं सर? बालों से रिलेटेड, बिल्कुल बालों से रिलेटेड बहुत सारी कर्म हम करते हैं पंचकर्मा रूम में, हमारे पंचकर्मा सेंटर। उनमें से एक होता है चक्र धारा, सुना होगा आपने, डैंड्रफ वाले, स्कैल्प क्राइसिस वाले, और बहुत सारे लोगों में चक्र धारा के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, चक्र धारा, जी सर। अच्छा, चक्र धारा के आते हैं, पर जैसे आपको पता है कि हम चक्र धारा या सिद्ध धारा करें और 300 रुपए चार्ज बता दें, तो कई बार जो होता है मरीज बोलता है कि मैं इतना नहीं दे सकता, या फिर मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता। तो उस स्थिति में हम चक्र धारा कैसे करें, उसको भी जब मैं स्टूडेंट था तो संजीवनी आयुर्वेद भोपाल में मैं प्रैक्टिस करता था, वहां पर सीखता था, तो चक्र धारा बहुत ज्यादा मैं हमारे यहाँ की जाती थी हमारे सेंटर में। ग्रीष्म ऋतु में तो मैंने एक दिन में 12-12 चक्र धारा कर, जी सर, तो उस दौरान मुझे कर्म हुआ करता। तो मैंने बाद में देखा जब मैं प्रैक्टिस करने लगा तो लोगों का वही होता है कि आप आ नहीं सकते, आप तो घर में भेजो अटेंडर को या और कुछ अल्टरनेटिव आप उसका बता दो। और अल्टरनेटिव में हमको बहुत सारे सिद्धांतों को इग्नोर करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि सिद्धांत इग्नोर करें। तो फिर मैंने एक कल्प बनाया उसको लेके, ये भी मेरा खुद का R&D है, मेरा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हम बनाएंगे प्रतिमा ड्राई चक्र धारा, ड्राई चक्र धारा, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ड्राई चक्र धारा। इसके लिए हम लेंगे त्रिफला पाउडर। ओके सर, सर बेस की तरह यूज कर रहे हैं इसको? बेस की तरह हम इसमें बेस की तरह त्रिफला ले रहे हैं, 50 ग्राम त्रिफला पाउडर। जी, 50 ग्राम त्रिफला पाउडर हमने लिया, 50 ग्राम त्रिफला पाउडर, और इसमें मस्तू पकड़ के ऊपर छना हुआ पानी आ जाता है, उसको मस्तू कहते हैं, या तक्र भी आप ले सकते हैं, उसकी भावना हमको इसमें देनी है। मस्तू या तक्र की भावना हमको त्रिफला पाउडर में देनी है सर, कितनी भावना है पाउडर में? इसको भी आप चाहें तो 3 भावना जी, या 2 भावना में भी चला, पर 3 भावना में सबसे अच्छे रिजल्ट। और सर समय कितना रखना है सर? जैसे आपने पिछले में बताया था कि आधा एक घंटे में एक बार, बस बस उतना, हाँ हाँ बस बस उतना ही इसको लगता है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमको पाउडर त्रिफला का है वो फाइन पाउडर लेना है, कोर्स नहीं लेना है, तो पहले से फाइन है तो बहुत ज्यादा मर्दन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जी सर, हमने हमने फाइन त्रिफला पाउडर लिया और उसमें हमने मस्तू या तक्र की आप दे सकते हैं भावना, 2 से 3 भावना आप दे सकते हैं, और टाइम जैसा कि हमने फेस वॉश में लिया था आप आधे से एक घंटे के बीच बीच में आप एक भावना दे सकते हैं। हाँ, जी, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। इसको बारिश की ऋतु में नहीं बना सकते, यदि आपको बनाना है तो ग्रीष्म में या ठंडी शीत ऋतु में बना के आप रख लीजिए। इसको इसको भी ड्राई और 3 भावना हुआ पाउडर रखना, अब क्योंकि इसको बहुत समय लगता है इसलिए इसको फिर एक ड्राई एक एमपी जा दे, बिल्कुल त्रिफला जैसा ही पाउडर प्रतिभा हमारे पास आ गया। इस प्रकार के जार में फिर आप सूखा हुआ, अभी मैं प्रतीकात्मक रूप से बता रहा हूँ क्योंकि इसको टाइम लगता है इसके बाद में। जी, इस प्रकार से हमारा ड्राई तक्र धारा रेडी है बेटी। जी सर, ड्राई तक्र धारा तैयार है। अब इसमें एक R&D हमने और किया थे, जहाँ जिन लोगों में आप तक्र आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहाँ मेरे पास लेमन का जूस, नींबू का रस। जी सर, है आप नींबू के रस के साथ भी सेम 3 भावना 2 भावना देके ऐसा ड्राई पाउडर दे दीजिए। ये 50 ग्राम का एक जार है, एक बार में 50 ग्राम लग जाता है, तो आप उसको दे दीजिए मरीज को। इसको लगाने का तरीका होता है कि एक बोल में आप पानी ले लीजिए और पानी में फुला दीजिए और एयर पैक जैसे इसको लगा लीजिए,
तो जो गुण तक्र धारा के आपको मिलते हैं वो आपको सेम गुण इस हमारे तक्र धारा पाउडर चून पे मिल जाए। फिर बहुत ही शानदार ऑल्टरनेटिव है सर ये तक्र धारा का। सर इसको कितनी और देर रखना अगेन ये बहुत है सस्ता है। जी कि प्रतिभा, सुन नहीं पाया मैं आपको। सर आपने बोला कि इसको हेयर पैक की तरह लगा लीजिए, तो सर कितनी देर तक इसका कोई टाइम ड्यूरेशन? इसका टाइम ड्यूरेशन प्रतिभा 15 मिनट से आधा घंटे तक मिनिमम हम इसको लगाएंगे तो अच्छे बेनिफिट्स आते। जी सर, जी सर। सर आप कुछ बोल रहे थे सर। जब इसमें प्रतिभा अंतर ये आता है कि जब आप तक्र धारा मतलब मस्तु की भावना से बनाते हैं तो इसमें स्नेह होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा ड्राई हेयर्स को ड्रायर वालों में वैसे अवॉइड करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा ड्राई वाले बालों के लिए नुकसान नहीं करता है। हाँ, और दूसरा वाला है नींबू के रस वाला, वो थोड़ा ड्राई करता है, मतलब जो कबज है या जिनके बालों में ऑयल बहुत है उनमें आप नींबू वाला ट्राई कर सकते मतलब हैं, नींबू ऑयली की भावना। स्कैल्प वाले नींबू का रस यूज करें तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ जी, जी सर, डैंड्रफ वाली जी कंडीशन से आपको ऐसा रोगी है जिसको डैंड्रफ के लिए देखना है तो आप नींबू के रस वाला तक्र धारा यूज। जी चलिए सर, प्रतिभा, अब ये लास्ट कल्पना है, लास्ट ओके। हम लास्ट कल्पना की तरफ बढ़ रहे हैं अब। कल्पना, एक कल्पना और बन सकती थी पर उसके लिए थोड़ा सा मैं तैयारी नहीं कर पाया इसके लिए। तो इसके सर बाद ये हम क्या चाहें तो हम कहते थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी को लेकर। चलो प्रतिभा, हैं? अभी ये हेयर पे हम वापस आ गए, हमने हेयर से शुरू किया था, हेयर पे हम वापस आ गए। हेलो सर, अभी आपको हम आवाज आ बनाएंगे। रही है? हाँ मेरी आ रही है, आपको मेरी आ रही है। जी सर, जी सर। हम एक हेयर हेयर वाइटलाइजर या हेयर सीरम बनाएंगे। है सीरम सर, ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर, ये भी बहुत बहुत पॉपुलर सर बहुत आजकल बहुत मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत। एक ये MG4 इसको हम डायरेक्ट जार भी बनाते हैं। ओके सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो जी सर बिल्कुल। इसका बेस जो है वो एलोवेरा जेल। जैसे इसमें अगेन हम इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो हम इसमें प्रिजर्व्ड एलोवेरा जेल ही यूज हाँ करेंगे। हाँ हम प्रिजर्व जो रेडीमेड जी एलोवेरा मार्केट से है वो लेना है आपको। जी एरंड का तेल जो है मार्केट में जो सीरम आ रहे हैं वो कॉस्मेटिक प्रिपेयर्ड होते हैं, उनमें एरंड का तेल नहीं है। एरंड का तेल किसी भी बालों से रिलेटेड जो ऑयल बनते हैं, जैसे हमारे ऑयल में भी हम एरंड का तेल जरूर डालते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, पर आप कोई भी बालों से रिलेटेड तेल कल्पना यदि खुद ही बनाते हैं तो उसमें 5 से 10% एरंड तेल जरूर मिलाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर, जी सर। 5 से 20% एलोवेरा जेल, 5 से 10% इसमें एरंड का तेल। जी सर। सबसे खास जो वो है टी ट्री ऑयल सचिवा। टी टी ट्री ऑयल। ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल बहुत कमाल का इंग्रेडिएंट है। डैंडरफ वाली कंडीशन में बालों के जो ग्रोथ नहीं होती उन सारी भी कंडीशन में टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, पर शायद बहुत महंगा आता है। आप अमेजोन से लेंगे तो 250 रुपये, 280, 300 रुपये के लगभग लगभग मैं आपको 20 ml 15 ml की बॉटल दूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ तो मेरे पास इसके लीटर के बॉटल्स आते हैं, हमें लगभग 6,500 रुपये लीटर ये टी ट्री ऑयल पड़ता है। तो टी ट्री ऑयल प्रतिभा इसमें 5% लेना है, मतलब 5 ml। जी इसके बाद हमको इसमें विटामिन ई लेना है। तो विटामिन ई। जी विटामिन ई, जैसे टी ट्री ऑयल मैंने आपको बताया विटामिन ई लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, नहीं मिलता है तो विटामिन ई का कैप्सूल आता है, आप जी इस प्रिपरेशन के लिए 10 कैप्सूल फोड़ के इसे मिला सकते हैं।
10 कैप्सूल्स जी सर। के बाद प्रतिभा ये हमारे सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हमको एक केस को बेस देना है जी। तो बेस के लिए हम यूज करेंगे तिल का तेल। ये सर तिल का तेल तो सर अपने आप बहुत फेमस है सर बेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तिल का तेल बहुत आयुर्वेद में जहां पर भी तेल का वर्णन है और यदि उसके आगे कुछ नहीं लिखा है स्पेसिफिक तो वहां हमको तिल का तेल ग्रहण करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तेल हमने कितना बस लिया है सर? तेल बेस जैसा है मतलब 50-60-70%। जी सर। तो हमने इसमें बेस लिया 50-60% तेल का तेल एंड उसमें एलोवेरा जेल आप 5-30% डाल सकते हैं, मतलब वो ही डालना है। देन कैस्टर ऑयल डालें एलोवेरा का तेल। जेल 20% है, 20 से 30% यस सर सॉरी मैंने गलत। तो ठीक है फिर से शुरुआत करते हैं। इस सीरम के लिए हेयर सीरम सीरम के लिए हम सबसे पहले लेंगे जी। एलोवेरा जेल। आप प्रिजर्व एलोवेरा जेल लें 30% और उसमें एरंड का तेल डालें 5-10%। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस सीरम का है टी ट्री ऑयल, तो ये आपको 5% डालना है। एंड उसमें वाइटामिन ई कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलती हैं, तो आपको 10 कैप्सूल्स फोड़ के डालने हैं। और अगर आपको लिक्विड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप यूज कर लें। और बेस की तरह 50% ऑलमोस्ट आप यूज करेंगे तिल का तेल। तो इस तरीके से जैसे आपने सर को देखा होगा, सर ने सारी चीजें करी एंड देन सर ने मिक्स करा है, आप ऐसे करें। एंड आई थिंक सर हमारा हेयर सीरम तैयार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा हेयर सीरम बहुत अच्छा है। जैसे ही हमारा कोम एप्लीकेटर वाला पाउडर है इसको आप डायरेक्ट बाल में अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओवरनाइट रिकमेंड करते हैं हम कि ओवरनाइट आप इसको लगा के रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। फंगल वाली कंडीशन में टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, रुक्षता होती ही है जी। सर हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद जी सुबह बताइए ओवरनाइट रखने के बाद आप सुबह हेयर वॉश कर लें? आप चाहे तो एयर वॉश कर सकते। ओके सर। वैसे भी इसमें सर ऐसा कुछ स्टिकी तो बहुत ज्यादा लगेगा नहीं मेरे ख्याल से, कि आपके बाल नहीं में नहीं इसमें बहुत आने लगे ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं होगा स्टिकी नहीं लगेगा, जी सर। चाहे तो वॉश ले सकते हैं। और वॉश भी लें तो ये इन सारी चीजों में है आप वाइज बरता है। आप एक चीज मान लीजिए आपने हेयर सीरम या हेयर ऑयल तो आयुर्वेदिक लगा लिया और शैम्पू आपने केमिकल वाला कर लिया तो वो फिर उसके रिजल्ट नहीं आए। तो आप यदि एक प्रिपरेशन ले रहे हैं तो दूसरी प्रिपरेशन भी आप ऐसी ही ले तो वही बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा ये हमारा हेयर सीरम रेडी है। इसकी कॉस्ट टी ट्री विटामिन ई इसके कारण थोड़ी महंगी जाती है पर फिर भी उतनी महंगी नहीं जाती, लगभग 100 रुपए का ये प्रिपरेशन जाता है। पर आप इसको 150-180 रुपए से लेके 350 रुपए तक इसको बेच, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। क्योंकि बहुत सारी एक कम्युनिटी है जो बालों में तेल नहीं लगाना चाहती या ओल्ड फैशन समझती है तेल लगा, तो ऐसे जो कंज्यूमर है या ऐसे आपके जो पेशेंट है आप उनको सीरम ऑफर कर सकते हैं जी सर। बस खत्म हो गया क्या सर सारी कल्पनाएं? एक एक है, अब उसको हम यहाँ डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे पर एक मैं आपको ओरली बता देता हूँ। मेरी बड़ी बहुत ही मेरा पसंदीदा R&D है वो, मेरी खुद की रिसर्च है और मुझे बहुत मजा आया था उसको बनाने के दौरान भी और अभी भी बताने के दौरान भी मुझे सबसे ज्यादा मजा उसी प्रोडक्ट में आता है। तो प्रतिभा तुमने बर्फियां कितने प्रकार की सुनी है? बर्फी आपने कितने किस्म की सुनी है प्रतिभा? जी सर बर्फी या बर्फी बर्फी कल्पना? जी सर बर्फी कल्पनाएं बहुत ही आयुर्वेद में उपलब्ध है, बुध बर्फी है, उसके अलावा कृष्ण बर्फियां हैं और भी बर्फियां बहुत सारी बिल्कुल वर्णन है पर जो बालों के लिए किसी बर्फी का वर्णन नहीं। तो ये बालों के लिए मैंने एक बर्फी बनाई, केश से बर्फी।
क्या बात है सर, मैंने भी आज तक कभी बालों के लिए किसी और की कल्पना की बात नहीं सुनी। आपने सुना नहीं पर प्रतिमा, आपने देखा जरूर होगा, आपने पुराने सीरियल्स या कभी ऐसी कोई मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि नायिकाएं या रानियां जो है अपने नहाने के बाद या स्नान के बाद अपने बालों को एक धुएं के पात्र से सुखाती रहती है। सर बिल्कुल सर, देखा तो है सर। पुराने जमाने का हेयर ड्रायर जी सर, जी आप इसको कह सर। सकते। तो वो जो हेयर ड्रायर वाली बात है वो कैसे जी होती थी वो मैं आपको बताता हूँ। जी ये एक धूमवर्ती है, इसको केश द्रव्यों से हमने बनाया है। इसका तरीका आप लिख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स में बता देता हूँ। इसमें बेस में त्रिफला ही लेना है आपको, त्रिफला चून 50% त्रिफला चून, कोर्स ग्राइंड लगेगा प्रतिभा, यहाँ पे हमको बारीक नहीं लगेगा, कोर्स ग्राइंड लगेगा, ओके सर, दरदरा चून लेना है हमको त्रिफला का 50%। दरदरा चून हमको लेना है, गंगराज जी का चून लेना है, जी नीम का चून लेना है। नीम चून, नीम इनकी मात्रा कितनी रहेगी पत्र सर? चून, त्रिपला बेस से तो 50% जी त्रिपला ले लीजिए, 10-15 15% हींग से आपने ही हमें बताया कपूर इसमें हमको लेना है, 3 से 5%। अभी सुन पा रहे हैं? हेलो, जी सर, अब आ रही है सर। यस सर, तीन अब से आवाज आ पांच रही। प्रतिशत इसमें आपको 3 से 5% कपूर लेना है आप। ओके सर, कपूर 3 से 5% कपूर लेंगे। 3 से 5% कपूर लेना है, इन सबको अच्छे से मिक्स करिए। जी और बर्तियां जैसे बनाते हैं, मैं एक सरल तरीका बताता हूँ, मैं चाह रहा था कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं पर नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से। जी आपको वर्तियां बनानी है तो इसको गीला करना पड़ेगा पहले से, इस पाउडर को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, उसके बाद चाहे तो इसको नीम के सोरस से, चाहे तो फ्रेश एलोवेरा पल्प से इसको गीला कर लीजिए। जैसे हमने सोप के लिए किया था ना प्रतिभा, वैसे गीला हमने किया था, जी जी बहुत ज्यादा गीला नहीं किया है, करना है उसको मोटा मोटा इसको देना है। और उसके बाद इसको आपकी वर्तियां जिसे बनती है, वर्तियां आप इसकी बना के और सुखा के रख। एक सरल तरीका होता है ना, वो बताना चाहता था, यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ। इंजेक्शन देखा है आपने, 15 ml का या 10 ml का इंजेक्शन, जी जी सामने का हिस्सा जो होता है जहाँ से निडल हम लगाते हैं, तो सामने के हिस्से को काट लीजिए और उसमें जो हमारा जैसे बिल्कुल सेम ऐसा आ जाता है, तो ये थोड़ा गीला है वो इतना गीला नहीं है, उसको लेके आप भर दीजिए अच्छे से प्रॉपर। और पीछे से जो निडल वाला है, जैसे हम इंजेक्शन पुश करते हैं ना बच्चे, तो जी सर, आप उसको बना के रख दीजिए, सूखने के बाद उसको आप पुश करेंगे तो वो बाहर निकल आएगी सीधी की सीधी। आपकी जी बहुत आसान तरीका है ये वर्ती, उसके तरीके बाद बहुत आसान बताए हैं सर आपने। बिल्कुल ये वर्ती आप जैसे जो आता है धूम के लिए, अभी जो अभी जैसे हम डिस इन्फेक्शन के लिए क्लिनिक में बहुत सारे लोग अपने क्लिनिकों में कर रहे हैं, धूपन कर्म कर रहे हैं, वैसे ही एक धूपन का पात्र लेके शिरोधारा का टेबल जैसे होता है ना प्रतिभा, तो शिरोधारा जी के सर, जी टेबल में आप मरीज को या किसी भी टेबल में आप मरीज को एंड तक लिटा दीजिए, उसके बाल नीचे आ जाएंगे। जी जी सुन पा रहे हैं प्रतिभा? सर, बिल्कुल बाल सुन रहे नीचे आ हैं। जाएंगे, पात्र रख दीजिए और बाल थोड़े गीले होने चाहिए, जैसे जो बार्बर के यहाँ पे जो बाल गीले करने का एक यंत्र नहीं होता है, जी सर, जी स्प्रे कर सर, देता है पहले बाल, थोड़ा जी, हाथ थोड़ा व्हाइट का बालों को कर दीजिए, क्योंकि ड्राई हेयर में धूपन करने से और ज्यादा ड्राई रहता जी है। धूपनवर्ती है बालों के लिए, बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ इसके थेरापेटिक कॉस्मेटिक वैल्यूज भी इसकी उतनी है जितनी थेरापेटिक वैल्यूज, थेरापेटिक यूज आपको इसको करना है तो जिनमें फंगल इन्फेक्शन बालों में होता है, स्कैल्प सोराइसिस होता है, डैंड्रफ होता है, या जू की प्रॉब्लम जो हेयर लाइस होती है, जिनको जो बालों में जू की प्रॉब्लम होती है, वो जी उन सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप अपने क्लिनिक में धूपन कर्म कीजिए, 150 रुपए 300 रुपए तक चार्ज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, चाहे तो घर पे दे दीजिए। तो जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच ये सर। धूपन जी तो बस इतना ही था।
कुछ आपकी क्वेरीज हो या कोई ग्रुप के हमारे ग्रुप की किसी की क्वेरीज हो तो वो हम ले सकते हैं 5-10 मिनट। सर मेरी तो क्वेरीज नहीं है, मैं अपने ग्रुप में भी आई थिंक हमारे किसी की कोई क्वेरीज। मैम आई थिंक अभी किसी की कोई क्वेरीज नहीं है, अगर होंगी तो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे ना सर। हेलो जी जी बोले सुन पा रहे? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए ना आप, देखने के थोड़ा सा सर एक बार ये वर्ती की इंग्रेडिएंट्स को हम रिपीट कर देते हैं सर। हाँ हाँ 50% त्रिपला, मुझे डाउट है कि शायद मैंने सही तरह से सुना है कि नहीं, तो इसलिए एक बार रिपीट कर देते हैं जी। सर हमने त्रिफला चून लिया था सर 50 ग्राम, मतलब 50% बेस के लिए एज अ बेस। हाँ 50 ग्राम भृंगराज चून, नीम चून ऐड किया सर। मात्रा कितनी थी सर, मैं समय सुन नहीं पाई थी सर। 15 ग्राम यदि ग्राम में लेंगे तो 15 ग्राम नीम, 15 ग्राम भृंगराज जी सर। उसमें फिर कर्पूर ऐड करना है सर 3-5%। हाँ कर्पूर उसमें ऐड करना है और इसको भावना देनी है एक प्रकार से जी सर। उसको नीम के, तो वो भावना फ्रेश एलोवेरा पल्प की आप भावना दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक क्या भाव तैयार रखना है ना जी। जी और फिर आपने जो दो तरीके बताए हैं, या तो इंजेक्शन की मदद से या फिर हम नॉर्मल वर्तियां बनाते हैं, तो किसी भी तरह से वर्तियां बनाते हैं आप, वर्तियां बना के सुखा लीजिए, क्योंकि एलोवेरा, एलोवेरा के साथ वर्ती अच्छी बनती है जब आप बेयर बनाते हैं तो, क्योंकि एलोवेरा थोड़ा सा चिपचिपापन उसको दे देता है। जी सर जी। तो सर इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट के साथ साथ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी हैं, आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शन और हेयर लाइज में भी ये बहुत इफेक्टिव है। यस सर, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मतलब इसके बाद हम लोग को बिल्कुल रानी महारानी वाली फीलिंग आने वाली है सर ये धूपन कर करने के। आपने अपने मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पंचकर्मा सेंटर में ये धूपन कर्म जरूर कीजिए, और थोड़े जैसे बहुत सारे हमारे बीच में भी बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जो बहुत अलग तरीके से पंचकर्म को प्रस्तुतिकरण उनका बहुत अच्छा होता है। मैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर, डॉक्टर संदीप राणे सर, डॉक्टर रजनी शालोनकर सर, इनके जो रिजल्ट के साथ साथ जो अंदाज है प्रस्तुतिकरण का, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं इन सभी से, तीनों का और भी बाकी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि धूपन कर्म कीजिए और थोड़े रॉयल अंदाज में कीजिए, तो आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। यस सर, ये सर वर्ती कल्पना आपको आपने बताकर तो सर सच में सर आखिरी का वो मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक होता है ना सर, उस तरह से आपने एक कल्पना को रखा है। थैंक यू सो मच सर, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच सर, आज की सर सारी कल्पनाएं बहुत ही बेहतरीन थी। आप कुछ और कहना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंसेस से? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तभी से मैं क्या खा रहा हूँ मैं उसका लेबल जरूर पढ़ता। मुझे याद है कितनी बार जो छोटी छोटी कितनी बार आती थी डेयरी मिल्क बार में, तो मैं उस जमाने से उस दौरान अपना इंग्रीडियंट मैं क्या खा रहा हूँ मैं उसके अवेयर हूँ। तो एज ए चिकित्सक आपको अवेयर होना चाहिए कि आयुर्वेदिक लिखा हुआ एमआर ने हमको दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयुर्वेदिक हो गया। आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि हम क्या पेशेंट को देने वाले हैं या क्या ये है, इसके प्रति अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी तब मरीज में आए। तो इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहे। खाने वाली प्रिपरेशंस की बात तो दूर की बात है, उसका शायद सच में लोग पढ़ते भी होंगे, पर लगाने वाली और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ये बिल्कुल नगण्य है कि हम इंग्रीडियंट पढ़ें। पढ़ भी लिया तो हम इतना पढ़ के आश्वस्त हो जाते कि अच्छा एलोवेरा रीठा ये है वो है, बस हो गया। हम उसका रेशो नहीं देखते या बेस के तरफ नहीं जाते, और कॉस्मेटिक केमिकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी तरह से बेस पे आश्रित है। मैंने तेल का उदाहरण दिया आपको, मैंने फेस वॉश का उदाहरण दिया, मैंने शैम्पू का उदाहरण दिया, वो इसका इसीलिए उदाहरण दिया कि ये इनका बेस जो है वो पूरी तरह से केमिकल है, पूरी तरह से हानिकारक है। तो आप अवेयर हो, जब आप अवेयर होंगे तभी हम ढूंढने में बहुत कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार मैं खाने की तो सारी चीजें दे रहा हूँ, मैंने उसको सभी कुछ दे दिया, मैंने उसको एक अच्छा आयुर्वेदिक तेल भी दे दिया, पर ये निदान क्यों नहीं, निदान में क्यों नहीं ढूंढ पा रहा, मरीज को रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा।
मैं स्किन मुंबई से किया हुआ है और मैं स्किन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करता था पहले, तो मैं अपने पर्चे में स्पष्ट लिख देता था कि सारी केमिकल प्रिपरेशन इवन आपको साबुन से ना हाथ धोना है, ना मुंह धोना है, ना शैम्पू करना है। पिंपल वाले पेशेंट में भी हम इग्नोर कर देते हैं कि हम साबुन तो मना कर देते हैं पर हम शैम्पू मना नहीं करते। जब आप शैम्पू करोगे आपको जाहिर सी बात है कि आप शैम्पू करोगे तो झाग बह के चेहरे पे आता है, तो आपने चेहरे में अवॉइड करवा दिया, शैम्पू उसको मना किया ही नहीं है, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे निदान ढूंढने में या आशांतित रिजल्ट जो है आशांतित रिजल्ट नहीं पाने में हम आपको दिक्कत होती है। तो इसको इसके प्रति अवेयरनेस आप सभी लाइए और केमिकली कॉस्मेटिक पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस में, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ मार्केट में, उनके आ रहे हैं आप, मेरे पास दो तीन ही प्रोडक्ट हैं पर मैं बहुत करीब हूँ, बहुत क्लोज हूँ अपनी आरएनडी में। पिछले 7 साल से मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और कॉस्मेटिक पे मैं पिछले 3-4 सालों से लगभग 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 जितना मुझे समय मिलता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने चारकोल पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग किस्म के चारकोल, एलोपैथ वाले चारकोल भी यूज करते हैं तो उनके लिए चारकोल चारकोल है, वो चाहे बबूल की लकड़ी का आया हो चाहे वो किसी लकड़ी का आया, पर मैं उसको भी कैटेगराइजेशन कि बालों के लिए मैं चारकोल यूज करूँ, वो केश द्रव्य का हो, स्किन के लिए मैं तो चारकोल यूज करूँ वो वर्ण हो या स्किन रिलेटेड वर्णकर महाकषाय से रिलेटेड किसी द्रव्य का चारकोल मैं यूज करूँ, तो ये मेरी आरएनडी है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ और बहुत जल्द मैं 2020 तो कोरोना के नाम है तो उसमें हमें नहीं लगता कि कुछ ऐड करना चाहिए, उसको कोरोना के लिए छोड़ते हैं। 2021 में एक बहुत अच्छी रिसेंट रेंज हम लेके आएंगे, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स उसमें होंगे और लाजवाब पैकेजिंग, इंटरनेशनल पैकेजिंग के साथ हम लेके आएंगे। तो इतना ध्यान तभी तक आप लोग रखिए कि हम क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं मरीज को, उसके प्रति अवेयरनेस।